दिग्गज हो या स्मॉल कैप मिड कैप, एक्शन भरपूर है बाजार में हफ्ते के पहले दिन। आखिरी डेढ़ घंटे में और बहुत कुछ होने वाला है और करेंगे कल की तैयारी। तो स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और रिकॉर्ड रन भारतीय बाजारों के लिए, नए शिखर छूते जा रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स, और साथ ही बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त एक्शन है। तो अनिल जी बताइए, आने वाले डेढ़ घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? सर, निफ्टी ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया और वही रिकॉर्ड सेंसेक्स ने भी बनाया है। दोनों ही आज नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि लगातार पांचवें दिन क्या हरे निशान में नए रिकॉर्ड के साथ क्लोजिंग होगी, जिसकी संभावना पूरी पूरी आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी करता हुआ, 30,000 के नीचे बहुत टिका नहीं और वहीं से रिकवरी आकर अब अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। फार्मा शेयरों में जबरदस्त उछाल है, FMCG शेयरों से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। आज ऑटो, मेटल और रियल एस्टेट में थोड़ी मुनाफा वसूली है। डाउ फ्यूचर 100 अंक नीचे, यूरोप दबाव में है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार एकदम मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको। बिल्कुल अनिल जी, और आज सुबह आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी सर, जब हम सुबह की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे 9:10 पर रेट सेटल होने के बाद, कि ये सिंगापुर वाले सोचते क्या हैं। सर, अभी भी अगर आप देखें तो SGX निफ्टी की तो इग्नोर करिए, डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे हैं, यूरोप में सुस्ती है, बट भारतीय बाजार रुकने को तैयार नहीं है। तो ये ग्लोबल वाले सोच क्या रहे हैं और भारत में जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं सर? नहीं दीप, देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, लेकिन आज सुबह सिंगापुर में जिस तरह की SGX निफ्टी पर कमजोरी दिख रही थी वो जायज नहीं था, वो गलत आंकड़ा दिख रहा था। इसीलिए हम कह रहे थे कि जितना गैप से खुलेगा उतना बढ़िया और तुरंत खरीदारी के मौके होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरफा ट्रेड दिखे। आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे और वो मौके आपको अब भी मिले। देखिए, हांगकांग सुबह 0.25% नीचे था, अब 0.25% नीचे रह गया। डाउ फ्यूचर्स 7500 पॉइंट नीचे थे, अब 150 पॉइंट नीचे हुए। तो उतार चढ़ाव दोनों तरफ रहेगा, आप ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक करके नीचे इंतजार करते रहें, ये आपके लिए इंडेक्स का ट्रेड हो गया। लेकिन असली ट्रेड ये हफ्ता आप है ना, इंडेक्स छोड़ दीजिए, लार्ज कैप में सेलेक्टिवली ट्रेड कीजिए। ये हफ्ता पूरा नाम है कैश मार्केट के स्टॉक्स का, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का, और दीप वहां पर भरपूर एक्शन आपको मिलेगा। तो अगले डेढ़ घंटे भी हमारा पूरा का पूरा फोकस इन्हीं स्टॉक्स पर होगा, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक बेहतरीन आज के 2000 का कैश स्टॉक भी देने की तैयारी में हूं। आपने देखा होगा किस तरह से शिपिंग स्टॉक्स पर हमने फोकस किया शुक्रवार के सेशन में। शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारी डाइवेस्टमेंट की खबर के बाद आज फिर से तगड़ा उछाल दिखाता हुआ, जी शिपिंग 290 के पार निकला भी, टिका भी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई होगी सुबह, जो मैंने देखा उसके बाद मैंने देखा नहीं, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जहां जहां अच्छी स्टोरी है, जहां फंडामेंटल्स मजबूत है, वहां पर स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे और वो साफ होता दिख रहा है। एक और अपडेट दे दूं इससे पहले आगे बढ़े और भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो, उससे पहले एक अपडेट जरूर देना चाहता हूं दीप, वो ये कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर शुक्रवार को बंद होते होते बाजार, हमने आपको कल के 2000 में खरीदारी करने की राय दी थी, तो HUL आपके लिए सारे टारगेट हासिल करता हुआ। 2240 का टारगेट आपके लिए आज सुबह का दिया था वो भी हुआ। मैं अब भी कहूंगा अब भी आपको होल्ड करना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी न करें, ये आपके लिए राय होगी। तो अभी भी HUL में भी अभी भी ताकत है, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। सन टीवी जो हमने शुक्रवार को दिया था उसने स्टॉप लॉस 440 का ट्रिगर नहीं किया, अभी थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हुआ है, वहां पर भी अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करें, मैं एक बार अपडेट आपको दे दूं। और जी शिपिंग 290 रुपए का टारगेट हासिल कर गया, वहां पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं वो 325 रुपए तक के टारगेट के साथ होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, अब आप अपना स्टॉप लॉस खुद डिसाइड करके कर लें, बट अदरवाइज अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो अब भी आप होल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक्स मजबूती के साथ, शिपिंग स्टॉक्स मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और कार्यक्रम में भसीन साहब को करते हैं शामिल, लेते हैं उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स, उसके बाद हमारी कुछ बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके लिए आने की तैयारी में, उन पर भी हम फोकस करेंगे। तो पहले भसीन साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट आपकी कॉल्स के और मार्केट का आउटलुक। तो देखिए अनिल जी, मार्केट थोड़ा फटीक दिखा रहा है, बट जैसे आपको पता है फ्लोज आर स्ट्रांग, यू मस्ट बुक प्रॉफिट एंड हेज योर सेल्फ प्रॉफिट्स। लाइक आई सेड, ये वीक में टॉप बनेगा, अब ये आज हो या 3 दिन में हो आई डोंट नो, लेकिन दीज आर लेवल्स टू लाइटन योर पोजीशन एंड बी ऑर्गेनाइज योर पोर्टफोलियो। आपको जैसे मैंने कई दिनों से कह रहा हूँ, वी आर ओवर वेट IT,
फार्मा एंड इंश्योरेंस और उनमें मेरी बाइंग है एंड वी हैव टर्निंग नेगेटिव ऑन माने स्लाइटली बेरिश ऑन एनबीएफसी, वहां मेरी सेल है। आपको ये भी बताऊं सर, सुबह और कल भी फ्राइडे को आपको क्या पिक दिया था, लूपिन देखिए 927 था, आज 936 था, उसने आज हाई मारा है 966, 6.5% का रिटर्न है, 4.5% का रिटर्न है आज इंट्राडे और उसका। और उसके अलावा सिप्ला आपको मैं बहुत कन्विक्शन से दे रहा था, सिप्ला इज ऑल्सो हिट हाई ऑफ 787 थ्री वीक हाई। तो देखिए फार्मा इज डूइंग वेरी वेल और मैं अभी भी बोलता हूँ फार्मा ऑन ऑल डिक्लाइन शुड बी बॉट, दिस इज द टाइम टू बाय इंश्योरेंस एंड फार्मा एंड आईटी। अब मेरे पे फिक्स है सर, दो बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला बाय होएगा सर अगेन मेरा इंश्योरेंस में मनपसंद एसबीआई लाइफ, 853.55 का भाव है, 838 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 925। दूसरा बाय है एचडीएफसी लाइफ, अगेन ये लेवल्स आगे जहां उसकी स्टैंडर्ड लाइफ ने बेचा था, 644-646 में लीजिए, 635 का स्टॉप लॉस, 670 का टारगेट। और सेल में है सर बजाज फाइनेंस, एक्सट्रीमली वीक लुकिंग चार्ट, 4845-55 में बेचिए, 4925 का स्टॉप लॉस, 4700 का टारगेट। ओके, तो दो बाय एक सेल ये है आपके लिए रणनीति इस वक्त। एसबीआई लाइफ खरीदिए आप, पहला स्टॉक वो है भसीन साहब की पसंद का, जो 853-855 में खरीदना है आपको, 853-855 की रेंज में, 838-838 का स्टॉप लॉस, 925 का टारगेट होगा, 925। एचडीएफसी लाइफ लेना है 644-646 की रेंज में, 635-635 का स्टॉप लॉस है, 670-670 का टारगेट। खरीदना है, बेचना है आपको बजाज फाइनेंस, ये कमजोर स्टॉक, 4855 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, 4925 आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4700 तक के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में भी आपको बिकवाली करनी है। ये है कुछ आपके लिए बेहतरीन कॉल्स। चलिए बढ़ते आगे और कुछ और कॉल्स आए, उससे पहले आज एक बड़ी खबर पर फोकस कर लेते हैं, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है। स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रही है और आइए लेते हैं उनसे एक बड़ी खबर। स्वाति बताइए किस कंपनी से जुड़ी क्या खबर है ये आपके पास, बताइए। बिल्कुल बड़ी खबर, आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी, बड़ी खबर है और आयरन ओर इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर इस वक्त प्राइसेस हैं। और मैं आपको बता दूं कंपनी का नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर। जी हाँ, ये कंपनी पर एक बहुत बड़ा ओवरहैंग, जो 10 साल का ओवरहैंग है वो हटते हुए नजर आ रहा है। मुझे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ जो कंपनी का प्रोडक्शन है, आयरन ओर प्रोडक्शन है, वो दुगना हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। 1.6 मिलियन टन्स पर एनम की बजाय वो 3.85 मिलियन टन्स पर एनम की प्रोडक्शन ये करना शुरू कर देगी और ये कमर्शियल प्रोडक्शन उसका अगले ही फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये कंपनी बहुत समय से इंतजार कर रही थी और ये फाइनली अप्रूवल आते हुए यहाँ पर मिल गई कंपनी को, जो कि एक बड़ा मूव है। 300 करोड़ रुपए कैपेक्स इसके लिए लाइनअप किया गया है और उसमें से ऑलरेडी उनका इनकर हो चुका है करीब करीब 1/3 ऑफ द कैपेक्स। और इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी में काफी कुछ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। मैं बता दूं प्रमोटर फैमिली मेंबर बाहिरजी घोरपड़े, जो कि अब उन्होंने कमान संभाली है मैनेजिंग डायरेक्टर की कंपनी में, तो बदलाव हुए हैं टॉप लेवल, रीस्ट्रक्चरिंग और न्यू बिजनेस प्लान को लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। जबरदस्त पोटेंशियल है यहाँ से उनको अपस्विंग करने का, क्योंकि आयरन ओर की अगर रिजर्व देखिए 118 मिलियन टन ये इनके पास है और मैग्नीज में आप जानते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मैग्नीज ओर रिजर्व्स में 14.7 मिलियन टन की इनके पास कैपेसिटी है इस वक्त। और आगे देखा है कि कंपनी ने एक MOU भी साइन किया है एक पिग आयरन मैन्युफैक्चरर के साथ कर्नाटका में, जो 50% उनकी कोक आउटपुट देगा। तो बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस कंपनी में, यहाँ पर नजर रखिए। सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इनकी आयरन ओर प्रोडक्शन दुगनी हो रही है और आयरन ओर के जैसे हम प्राइसेस जा रहे हैं एकदम बैलिस्टिक हो गए, प्राइसेस जबरदस्त हाई पे है फ्रॉम मार्च 2013 से आज अगर देखें तो 50-60% तेजी की रुख दिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर इस कंपनी के लिए आते हुए सर।
ओके तो ये है आपके लिए संदूर मैग्नीज के लिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। आयन ओर माइनिंग की ये जो कैपेसिटी है वो डबल करने जा रहे हैं और साथ ही आयन ओर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। कैपेक्स पर 300 करोड़ खर्च करने का कंपनी का इरादा है जिसमें 80 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। यह बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर स्वाति की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए लेते हैं इसी पर एक राय जरा चार्ट पर। सुमित जी बताएं संदूर मैग्नीज कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, स्टॉक 1080-1085 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पिछले पांच दिनों में लोअर लेवल से बन में तेजी दिखा रहा है, 200-250 रुपए की तेजी दिखा भी चुका है और अभी भी चार्ट्स के ऊपर देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो लोग अपनी पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में 1100 का लेवल टूटने के बाद 1150 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि करीब करीब 1040-1050 के आसपास का बनेगा और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। ओके तो ये है आपके लिए संदूर मैग्नीज पर राय और करीबन 125 रुपए की दमदार तेजी स्टॉक में दिख रही है। 13% का बड़ा उछाल इस वक्त आपके सामने आता हुआ दिखेगा संदूर मैग्नीज में। ओके आइए बढ़ते आगे और वक्त है इस वक्त नितिन जी से मुलाकात करने का। नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं निफ्टी के निशानेबाज और उसके बाद एक एल्गो ट्रेड कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आने की तैयारी में। तो पहले नितिन जी से ले लें उनका एक बेहतरीन कॉल बिगुल के साथ। बताए नितिन जी। चंद्र जी 13-3 ऑप्शन खरीदेंगे जो मुझे 85-86 ऐसे मिल रही है और इसको खरीदना चाहिए, और अगर किसी कारण से ये 7-8 रुपए नीचे मिलती है तो आप वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, यानी 85 पे आधी ले लें और 75 मिलता है तो आधी ले लें। ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए नीचे आ जाए, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो 85 पे आप ले सकते हैं आधी और 75 पे 50% लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 50 रुपए का होगा और टारगेट 120 का होगा। आज का हाई 114-115 का है, हाई से नीचे आई है बट बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुका है मार्केट, इंट्राडे सपोर्ट पे। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाएंगे वापस से मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन फिर से अटेम्प्ट ले रहा हूँ। 13-300 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 85 का रेट है, आधी अभी ले लें, 75 पे आए तो और ऐड करें, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। ओके तो कॉल ऑप्शन खरीदे आप निफ्टी का, ये है राय नितिन जी की तरफ से आती हुई। तो 13,300 का एट द मनी कॉल ऑप्शन, 85 में लें, नीचे आए 75 में और ऐड करें, 50 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। शुक्रिया नितिन जी आपका इस कॉल ऑप्शन के लिए। आइए बिगुल अगला कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अरे जी हमारा एल्गो ट्रेड है और खरीदारी की राय है इंडियन होटल्स में। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है, एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्रेश पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। तो शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन होटल्स को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए बहुत शानदार मूव आते हुए दिख रहा है, पूरा ये जो स्पेस है ये बहुत स्ट्रांग है और इंडियन होटल्स में विशेष रूप से जिस तरह का मोमेंटम अभी बनता दिख रहा है, जिस तरह का वॉल्यूम पिछले कुछ समय में हुआ है, इस स्टॉक में आपको काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें, 132 रुपए पर 132 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 145 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 150 रुपए का होगा, तो 145-150 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में हमारी खरीदारी कराए। ओके इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए अगला बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी मार्केट का व्यू पहले शेयर करूंगा। अनिल जी मार्केट में अभी भी पकड़ है, कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती है। अनिल जी जो बड़े बड़े स्ट्रांग बुल्स थे वो भी कितने टाइम से अब करेक्शन की वेट कर रहे हैं, तो मतलब ये एक साइन होता है कि अभी भी कोई करेक्शन ऐसी दिख नहीं रही है जिस तरह के फ्लोस चल रहे हैं। प्लस अनिल जी बीच बीच में कई लोग ये बोलते हैं कि टॉप बन जाएगा या टॉप बन रहा है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि टॉप बन जाएगा,
इम्पॉर्टेंट यह है कि टॉप से बनने के बाद क्या बहुत बड़ी करेक्शन आ जाएगी या कोई मीनिंगफुल करेक्शन आएगी? अनिल जी अभी भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं दिख रही है, इंट्रा डे इंट्रा वीक इंट्रा आवर्स कुछ करेक्शन आ जाए 100-150 पॉइंट की, वो कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, दैट इज वेरी नॉर्मल क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेड्स के चलते वॉलीटिलिटी बढ़ती है, बट अनिल जी अभी भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ रही। यस, जिस तरह की मूवमेंट है एट टाइम्स आपको लगता होगा इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इतना इजी पैसा बन रहा है, ये सिचुएशंस लंबे नहीं चलती हैं, ये सिचुएशन आपको सिग्नल भी देती हैं, बट इसके साथ भी अनिल जी एक डेटा ऐसा है चीज है कि जो वो सपोर्ट कर रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक ये मैं मार्केट के लिए बोलना चाहता था कि अभी भी डिप्स पे लेना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बीच बीच में जो स्मार्ट ट्रेडर है वो छोटा छोटा अगर बुक करके एंट्री कर लें तो वो ठीक है, कभी फार्मा कभी मेटल्स कभी आईटी कभी बैंकिंग, ये सब रोटेशन चलती रहेगी। सो अनिल जी अभी एक लेना है जो स्टॉक है वो मैं पहले भी अनिल जी एक्चुअली क्या पिछले दिनों में अनिल जी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हमने, यूपीएल एलआईसी एसबीआई जैसे मैंने आपको बोला 350 रुपए, और उसी में अनिल जी एक मतलब ऐसे स्टॉक के अंदर ना कंटिन्यू रखना अब लेना है अनिल जी दोबारा से, जो पहले भी मैंने बोला सन टीवी। सन टीवी अनिल जी मुझे लगता है कि यहाँ से 30-40 रुपए की मूव बहुत जल्दी आ सकती है, और बीच में जो लेता है करेक्शन भी दे देता है, लोग उतर भी जाते हैं, आगे इलेक्शन भी आने हैं अनिल जी, मीडिया कंपनीज के आप तो जानते हैं एड स्पेंड बहुत लोगों के एड स्पेंड बढ़ रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छा होगा, आजकल सिर्फ ये चीज चल रही है मीडिया से रिलेटेड, तो मुझे लगता है अनिल जी ये फंडामेंटली भी इसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, तो ये एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि लेके रखना चाहिए सिर्फ 445 रुपए के स्टॉप लॉस से, क्योंकि आज थोड़ा ये बड़ा है और 490 से 500 रुपए का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए सन टीवी पर खरीदारी की राय आशु जी की तरफ से, नजर रखिए आशु जी को भी पसंद है, भसीन साहब भी कई बार इसको रेकमेंड कर चुके हैं, पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास एक बेहतरीन कल के 2000 के कॉल के लिए। अनिल जी आज की फ्रेश कॉल भी दीजिए सर, और सन टीवी तो आपको भी पसंद आया था सर, फ्राइडे मॉर्निंग की आपकी कॉल थी, वहां से भी स्टॉक बढ़िया मूव करते दिख रहा है, पहले टारगेट के करीब है, तो बताएं सर फ्रेश कॉल क्या है और अगर सन टीवी पर कोई अपडेट है सर? मैं वही सोच रहा था दीप, कैसे भूल गए कि शुक्रवार का मेरा भी कॉल था 465, 475, 480 के टारगेट के लिए, ऑलमोस्ट पहले टारगेट के नजदीक है, लेकिन यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, और आशु जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, चूंकि मेरे स्टॉक को आशु जी ने रिकमेंड किया, मेरी रिकमेंडेशन रहा, तो आशु जी धन्यवाद दिल से आपका। और हाँ, इस जहां तक अब दूसरे स्टॉक का सवाल है, मैं आपको लगातार ये कह रहा था कि कैश मार्केट के स्टॉक में दीप बड़ा एक्शन है, तो एक कैश मार्केट का स्टॉक मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जी शिपिंग, आपने शुक्रवार को देखा होगा बात करते करते ही जी शिपिंग शुक्रवार को भी और आज भी अपने दोनों टारगेट हिट कर गया। अब आपको खरीदना चाहिए इस वक्त कैश मार्केट का स्टॉक यूनिकेम लैब, फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स जहां पर अच्छी वैल्यू है वहां पर आपको फोकस करना चाहिए, 267 268 270 के आसपास कुछ चल रहा है, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 260 का रखना है। सिंपल मैथमेटिक्स ये कि इन्होंने कुछ समय पहले अपना एक जो कारोबार बेचा था बड़ा कारोबार, जिससे इनको इनके पास में बड़ा कैश आया हुआ है, कंपनी की सेल्स 1200 करोड़ की है, मार्केट कैप 1800 करोड़ का है, और कैश इनके पास बुक्स में 600 करोड़ का, यानी कि मार्केट कैप का 1/3, जितना मार्केट मतलब हर शेयर पे 1/3 तो कैश पड़ा है, तो कंपनी के पास भरपूर कैश है, और ये कैश आगे कंपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इस्तेमाल जरूर करेगी, तो ये एक बड़ा कैश बैलेंस जो कंपनी के पास पड़ा है, प्लस फार्मा शेयरों में जबरदस्त एक्शन है ही, और जहां फंडामेंटल्स बेहतर है वहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। तो मेरा ये मानना है कि यूनिकेम लैब चूंकि 280 का तो लेवल पार कर चुका है, ऊपर की तरफ 290-305 ये टारगेट आपको दो लेकर चलने चाहिए, 290 और 305 के, और फिर बड़ा टारगेट आगे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो 350 रुपए का टारगेट बनता है, ये आपके लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से भी। कैश के स्टॉक्स में अभी ट्रेडिंग के मौके ज्यादा है, इसलिए आजकल मैं फोकस आपको कैश के स्टॉक्स पर कर रहा हूं, तो यहां पर 290-305 और बाद में 350 इन टारगेट के लिए यूनिकेम लैब में आपके लिए खरीदारी करने की राय है। आइए बढ़ते आगे और कुछ और कॉल्स आपके लिए आ रहे हैं, यूनिकेम लैब्स पे मैं चार्ट्स पर राय लूंगा, सुमित जी आप चार्ट्स तैयार करके रखिएगा, तब तक एक बार जल्दी से वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब,
आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास बाय कॉल है, टीवीएस मोटर्स में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है 512-13 का वो ब्रेकआउट लेवल अभी 517 है, तो यहाँ से लेकर 512 तक नीचे आता है तो ऐड करें, 510 के नीचे का सपना होगा 509.50 का, 525 का पहला टारगेट जो मुझे लगता है आज ही आना चाहिए, 532, 533, 535, 535 का दूसरा टारगेट। ओके, 515 रुपए के आसपास टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की राय। तो मैं यूनिकेम की बात कर रहा था, मुझे अभी याद आया यूनिकेम, हाँ कुणाल जी अच्छे से ट्रैक करते हैं, कुणाल जी जरा यूनिकेम पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी बहुत ही बेहतरीन ये आपने चार्ट चुना है अनिल जी, और मुझे ऐसा इससे अनिल जी संदेह हो रहा है कि आपने डेफिनेटली इसका चार्ट देखा होगा, क्योंकि केवल फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही आपने नहीं चुना है, डेफिनेटली मुझे संदेह है अनिल जी, तो पहले तो ये संदेह का निवारण कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा कैसे हो सकता है अनिल जी कि बिल्कुल चार्ट पर जैसे खरीदारी के संकेत आए तुरंत आपने इस पर खरीदारी की राय दे दी, तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है अनिल जी। अच्छा एक चीज बता दूं कुणाल जी, बाकी तो ठीक है आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन अगर मैंने एक चीज सोच ली कि चार्ट पढ़ना वाकई में इतना आसान काम है तो फिर मैं चार्ट पढ़ना शुरू कर दूंगा, ये ध्यान रखना कि इतना इजी है क्या चार्ट पढ़ना, तो मुझे ये तो बिल्कुल बेसिकली सर्च करते करते आइडिया लगा है कि एक स्टॉक, अब टाइमिंग ऐसे ही परफेक्ट हो गई वो अलग बात है, क्योंकि आज सारे स्टॉक्स को देखते देखते दिमाग लगाया कि जो जो स्टॉक सेक्शन में वहीं पर आते हुए। आइए तैयार है हमारे साथ इस वक्त सचिन जी, सचिन जी के लिए बिगुल और उसके बाद सुमित जी के लिए भी, तो सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है कोल इंडिया इस काउंटर पे, हफ्ते की शुरुआत में ही इसने अपना जो इम्पोर्टेंट स्विंग हाई था 135.50 के आसपास का वो उसने पार कर दिया है, एंड जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टेजेस में है, जिसका हायर एंड लगभग अराउंड 144 के आसपास है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है कोल इंडिया फ्यूचर्स में, 134.50 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस, एंड टारगेट्स होंगे 141 एंड 144। ओके, 141-144 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप कोल इंडिया में। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुपर रेट शेयर का। बताए सर। अनिल जी मेरा भी वागले साहब के साथ पूरा समर्थन है टीवीएस मोटर के अंदर, मेरा भी सेम टाइम पे बाय बना है टीवीएस मोटर के अंदर, टीवीएस मोटर यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है और एक अच्छा खासा तेजी दिखाने को तैयार है, टीवीएस मोटर में यहाँ से ऊपर में 525 रुपए से लेकर 540 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, नीचे में 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है और जिस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है 525 रुपए से लेकर 540 रुपए तक का मूव जल्दी ही टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकता है, अगर कोई ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेना चाहता है तो 510 वाला कॉल 27 रुपए पे अवेलेबल है, इसको ले सकते हैं, 18 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में 38 से 42 रुपए तक के टारगेट टीवीएस मोटर के 510 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 525 से 540 तक के टारगेट टीवीएस मोटर में देखने को मिलने चाहिए, तो इसने जस्ट अभी पिकअप स्टार्ट किया है, ये एक अच्छा रफ्तार पकड़ना चाहिए और एक अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। ओके, सुमित जी की तरफ से धन्यवाद वागले साहब को, और अगर वागले साहब के हिसाब से सुमित जी के हिसाब से फ्यूचर्स खरीदना चाहें तो लेवल्स आपके सामने और कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं 38 और 42 रुपए के टारगेट के लिए, ये है सुमित जी की राय आपके लिए टीवीएस मोटर्स का, 520 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है सुमित जी की तरफ से। आइए आशु सर भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, आशु सर आपके लिए बिगुल या फिर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, मेरा एक सवाल है, मैं आजकल थोड़ा ट्रैवल और मीटिंग्स के चक्कर में कम देख पा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने आपको सुना अनिल जी मॉर्निंग में, तो मेरा उससे रिलेटेड सवाल था, आपने कहा था कि मिड कैप ये वो सब जिस तरह का यूफोरिया बना हुआ है, तो मतलब अपने वो आपने एक बेटी का कुछ एग्जाम्पल दे के भी बताया कि अपने हाथ में नहीं रखना, लास्ट में दे देना, तो अनिल जी मतलब दे किसको, क्योंकि आज की डेट में तो सारे जी बिजनेस देख रहे हैं, सारे आपको सुन रहे हैं, सारे आपको सुन रहे हैं, तो सभी इतने समझदार होंगे तो देंगे किसको अनिल जी, सभी समझदार जाएंगे, तो अनिल जी मुझे ना, इसका आंसर चाहिए आपसे। ना ना भले आप ये कहे, देखो और दूसरी चीज अनिल जी, मेरे पास जवाब तैयार है आशीष जी, जवाब तैयार है।
ना ना आशीष जी जवाब तैयार है, भले आप कुछ भी कहे कितना भी कहे, मुझे अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। 100% सारे लोग हमारा चैनल नहीं देखते, बाकी देखने वाले भी हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ हम लीडर हैं, नंबर वन है, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी लोग भी बहुत है जो चैनल देखे जाते हैं। तो हम यही कह रहे हैं तेजी में रहें, यूफोरिक ना बने, जो आपने भी अभी कहा वही वाली बात है कि हाँ तेजी तो करनी। देखिए ये हफ्ता मिड कैप का है, इस मिड के वो महाकुंभ भरता है, वो महाकुंभ में मतलब जो डुबकी लगाना है लगा ले, लेकिन टाइम से है ना सांस छूट जाए उसके पहले बाहर निकल जाना, बस उतनी सी बात है, डुबकी में अंदर ना रह जाए, बस वो वाली बात है। और बाकी सब लोग सब देखकर ऐसा, और दूसरी एक गलत फहमी और भी नहीं है मुझे वो बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बोलता हूं या जो आप बोलते हैं वो सबके सब फॉलो करते ही है, ऐसी भी गलत फहमी नहीं है, सबके पास अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। हमारा काम कहने का है आशु जी, बाकी अपने सबकी अपनी अपनी मर्जी। जी सर जी, आशु जी। अनिल जी एक और, सिंस आपने स्टॉक की बात की, अनिल जी भारतीय जो पहला पड़ाव हुआ है, जो पिछले दिनों में बात हुई 500 क्रॉस हो गया है, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के साथ साथ अनिल जी, पहले 460-70 में, फिर 80 और 90 के बीच में, अब 500 कन्विंसिंग खड़ा हो गया है, तो मेरा तो बिल्कुल पॉजिटिव व्यू अनिल जी, अगला पड़ाव इसका 520 क्रॉस करने का है, वो भी जल्दी करेगा, तो मेरा भारतीय में लॉन्ग व्यू इंटैक्ट है। जो भी अनिल जी मैंने आपको भी पहले किया कि कुछ 5-7 स्टॉक्स या फार्मा कुछ ऐसे पकड़ लेने चाहिए, अनिल जी उसी के साथ चलते रहना चाहिए, मतलब मार्केट इतना अच्छा है इस वक्त के सेटअप के, अगर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जो थीम्स हैं उसके साथ चलते रहिए और उसी के अंदर इन आउट करते रहिए, बहुत बार स्टॉक का चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है, बार बार स्टॉक बदलने की जरूरत नहीं अगर आपका व्यू क्लियर है तो आइए, लेकिन अगर आपको ट्रेड करने के लिहाज से स्टॉक बदलने तो हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं और स्टॉक्स भी। बिगुल बीटीएसटी का सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। अनिल जी मैं आशुष सर के थॉट के साथ हूँ, इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे काउंटर है जहाँ पर आपको रोटेट करने चाहिए, एंड जिस तरीके से फार्मा ये सेक्टर चल रहा है, यहाँ पर लुपिन का जिक्र किया था हमने कल के सत्र में 966 के टारगेट के लिए, वो पर्टिकुलर टारगेट हिट हो चुका है, बट जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है उसका जो नेक्स्ट लेग है वो भी ओपन हो चुका है 995 के टारगेट के लिए, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 948 का, एंड फ्रेश लॉन्ग्स भी डिप्लॉय करने की चेष्टा करनी चाहिए। 995 एक फाइनल टारगेट होगा जिस तरीके से ये मोमेंटम अभी फिलहाल कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पर खरीदना है लुपिन को वापस। ओके, तो लुपिन को खरीदना है, और यहाँ पर देखिए लगातार लुपिन हो, सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए कॉल्स आ रही हैं। ग्लेनमार्क एक और बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक है जो राकेश जी कुणाल जी ने आइडेंटिफाई करा है, और नैटको फार्मा जहाँ पर विश्वेश जी और जय भी बुलिश थे, तो फार्मा स्पेस जबरदस्त तेजी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, नजर रखिए लुपिन फिलहाल 3% ऊपर है स्टॉक पर। कई सारे और स्टॉक्स हैं, कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं बाजार के जहाँ पर हमारी नजर है, पहले चलते हैं मानसी के पास जानने के लिए कौन से हैं वो बड़े ट्रिगर्स, बताएं मानसी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, देखिए आज 3 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बैठक बुलाई है और खासतौर से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर इस बैठक में चर्चा होगी, तो इस पर फोकस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया आरकॉम पर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को लेकर सुनवाई जो है वो भी जारी है, और साथ ही 3 से 4 बजे के बीच सेबी चेयरमैन का एनसीडीएक्स के इवेंट में एक संबोधन होने वाला है जिस पर हमारी नजर होगी। कल 8 दिसंबर को मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। एम्फी म्यूचुअल फंड्स में निवेश के मासिक आंकड़े जो हैं वो कल जारी करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 4th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी। इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज पर नजर रखिएगा, इसका नाम कल से बदल जाएगा और ये नया नाम बदलकर यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड होता हुआ कल से दिखेगा। माइंडस्पेस रीट डिबेंचर के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर कल एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं, अंत में बुधवार का दिन 9 दिसंबर किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक का दौर बुधवार को होता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुशल से भी जानते हैं वो खबरों वाले स्टॉक्स जो मार्केट्स खुलने के बाद एक्शन में आए, बताएं कुशल।
बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो फोकस में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो घरेलू इंडस्ट्री है उनको क्लियरली राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि रबड़ और पॉलीमेट्रिक मटेरियल वाले जो भी फुटवेयर हैं उन पर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो सरकार लगाने वाली है, और साथ ही जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फुटवेयर है उस पर भी जो है क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, और ये जो रूल्स हैं वो 1 जुलाई 2021 से लागू होते हुए नजर आएंगे। साथ ही BPCL इस पर भी फोकस रखे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि इसके विनिवेश को लेकर वेदांता, अपोलो ग्लोबल और साथ ही आई स्क्वायर कैपिटल की जो सब्सिडियरी है उससे बोली आती हुई नजर आई है, और साथ ही ये जो 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी इस पर ये फैसला लिया गया था, और अब देखना होगा कि कब फाइनली जो है विनिवेश होता हुआ नजर आता है। अभी की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2021 तक जो है ये विनिवेश पूरा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही इरिगेशन कंपनी जो है वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो चीप इरिगेशन इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जा रहे थे उस पर अब सरकार सख्ती लगाने पर विचार कर रही है। इनफैक्ट यहां पर अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो BIS सर्टिफिकेट है वो चीप वो ये जितने भी इरिगेशन इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट करने में आपको जरूरी होगा, और ये जो नया रूल है ये 11 नवंबर से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है और 10 अगस्त 2021 तक यानी कि अगले साल 10 अगस्त तक ये वैलिड रहेगा। तो यहां पर इनके लिए जो घरेलू इरिगेशन कंपनियां हैं जो इक्विपमेंट बनाती है उनके लिए पॉजिटिव खबर साबित होती हुई नजर आ रही है। साथ ही कोजेंसिस के हवाले से IOC को लेकर खबर है, जहां पर एसेट बिक्री मामले का जो प्रस्ताव है वो सरकार ने निर्देश दिया है कि आप उसको तैयार कर लीजिए, और एज सून एज जनवरी तक यहाँ पर इसकी जो पाइपलाइन कारोबार है उसको बेचने की जो योजना है वो रियलिटी में तब्दील होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा HDFC बैंक यहाँ पर मूडीज ने जो इनका डिजिटल सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो तकनीकी खराबी आई थी उस पर ब्रांड पर असर जो है वो कंपनी मूडीज को दिख रहा है कि वो क्रेडिट नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर HDFC बैंक देखिए आज भी इस वजह से शायद दबाव में हमें 1.5 से 2% तक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट कंपनियां जो हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि दक्षिण भारत में जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया थे कि सीमेंट कंपनियां ने अपने दाम बढ़ा दिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर आप देखें तो श्री सीमेंट और बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, उन सभी ने 30 से 40 रुपये प्रति बोरी जो है ये दाम बढ़ाते हुए नजर आए हैं। हिंडाल्को यहां पर भी आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि सिलवासा में जो है 730 करोड़ रुपये के निवेश से ये एक एक्सट्रूजन प्लांट लगाने वाले हैं, और जिसकी क्षमता जो है करीब 34,000 टन की होगी, तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। L&T कंस्ट्रक्शन को भी बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं, जिसमें 90 माइनिंग इक्विपमेंट की सप्लाई करने का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10 NPAs की बिक्री के लिए इन्होंने बोली मंगवाई है, तो यहां पर भी फोकस रखिए। और साथ ही TCS और L&T इन्फोटेक इन्होंने जो है डिजिटल सर्विसेज के लिए करार कर लिया है, एक्सट्रीम नेटवर्क्स के साथ TCS ने किया है, और साथ ही UAE की कंपनी इंजजात के साथ इन्होंने डिजिटल सर्विसेज का करार किया। और अंत में एक बल्क डील है मेरे पास जिसमें 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है सेल का 55.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ठीक बात है, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जिन पर आपको रखना है फोकस और रखनी है नजर। आइए बढ़ते आगे, और आपके लिए अब सेठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, वक्त है उनका स्वागत करने का। बिगुल के साथ सेठी साहब देंगे आपको सुपर हिट, लेकिन ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि उसके पहले सुमित जी पहले से तैयार हो चुके हैं, तो सुमित जी का सुपर हिट और तब तक सेठी साहब हो रहे हैं कनेक्ट। सुमित जी दीजिए सुपर हिट शेयर। देखिए मैंने सेठी साहब को रोक के पहले आपका लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बात करते करते ही टारगेट आ जाए। बिल्कुल अनिल जी, और अच्छा हुआ सेठी साहब को 2 मिनट लग रहा है, क्योंकि मैं जो स्टॉक बोल रहा हूँ अनिल जी वो भागने वाला है, और स्टॉक के अंदर क्लास पैटर्न बन रहा है अनिल जी, और इसका क्लास मूव देखने को मिलेगा। आप देखिएगा स्टॉक का भाव चल रहा है अनिल जी 40 रुपए 25 पैसे, स्टॉक का भाव चल रहा है 40 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन SFB जिसका सिंबल है। यह स्टॉक के अंदर अनिल जी फ्लैग पैटर्न बन रहा है और क्लास ब्रेकआउट है, और जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से फटने वाला है, बड़ा मूव दिखाने वाला है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें यहां पे CMP पे, छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाए 38 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 43 रुपए 50 पैसे का, ये पहला टारगेट है, इसके ऊपर भी ये स्टॉक जाएगा, क्योंकि जो ये पैटर्न बना रहा है उस पैटर्न का टारगेट बनता है ऊपर में 46 रुपए तक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर खरीदारी करें, चूके मत, 2-3 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा और अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 43.50 से लेके 46 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है।
ओके 4350 से 4646 का मूव उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में है खरीदारी करने की राय, ये आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अगला बिगुल है आपके लिए, सेठी साहब हमारे साथ तैयार। बताए सेठी साहब कितने पिक से आज? अनिल जी देखिए बाजार में एक शानदार तेजी का रुख चल रहा है, तो एक तो कुछ एक अपडेट है वो भी बोलना चाहूंगा। एक तो मैंने पिछले वीक हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2140 के लेवल पर रिकमेंड करा था, मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2250 का टारगेट था जो कि आज अचीव हो गया है, बट यहाँ पे भी इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है, मुझे यहाँ से भी और तेजी नजर आ रही है। और कल जो मैंने एक एफएनओ का स्टॉक इन्फोसिस रिकमेंड करा था 1140 के लेवल पे, अभी 1150 के आसपास है दिसंबर फ्यूचर्स, इस स्टॉक को जिसने भी लिया है उनसे होल्ड करने की सलाह, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ये कमाल करेगा, स्टॉक अच्छा बढ़ना चाहिए। जहां तक आज के लिए स्टॉक का सवाल है अनिल जी, दो स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक एफएनओ का स्टॉक है। पहले कैश मार्केट का स्टॉक के बारे में बोलना चाहूंगा, कैश मार्केट का आज अनिल जी मेरे रडार पे कई एग्री फोकस्ड स्टॉक आ रहे हैं, सुबह भी मैंने बेयर क्रॉप साइंस को रिकमेंड करा था 5200 के लेवल पे, अभी 5250 है, बट अभी जो स्टॉक है वो भी एक सीड बनाने वाली कंपनी है, कंपनी का नाम है कावेरी सीड। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप किसी और सीड कंपनी से कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ती है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है सिर्फ 10 का, सितंबर क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जहां पिछले साल 13.5 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 23.5 करोड़ का प्रॉफिट है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29%, नेट प्रॉफिट मार्जिन ही है 27% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है। और इस कंपनी की मैं शेयर होल्डिंग देख रहा था तो कई एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसमें 17-18% हिस्सेदारी रखते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट नाम है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करीबन 2.25%, फिर मोहनीश पबराई का जो फंड है पबराई फंड वहां पे उन्होंने भी 5-6% इसमें हिस्सेदारी ले रखी है, फ्रेंकलिन टेम्पलटन का इन्वेस्टमेंट है, LIC ओन करती है, तो ऑल इन ऑल ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, 513-14 के लेवल पे ट्रेड करता है, बहुत ही जल्दी इसमें मुझे लगता है 550 तक के लेवल आ सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 495 रुपए का। ओके तो ये है आपके लिए कावेरी सीड में खरीदारी करने की राय, 495 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें। अब जैसे वो कुणाल जी, राकेश जी, राशि सर के दिल्ली में नहीं है सच, जब सर्दियां शुरू होती है तो और जब बढ़ जाती है तो फिर अंदर से सारे स्वेटर जर्सी बाहर निकल के आते हैं, पुराने पुराने वुलन कपड़े वैसे, अभी वो सारे स्टॉक्स बाहर निकल के आ रहे हैं ऐसे 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 स्टॉक्स जो बहुत दिनों से जिनको सुना नहीं, नाम नहीं लिया, अब लग रहा है अरे ये भी तो है ना, इसमें भी तो वैल्यू है, ये सारे अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, अरे ये भी तो अच्छा स्टॉक है, बहुत दिनों से नजर नहीं पड़ी, तो बिल्कुल वैसे ही मूड माहौल बना हुआ है मार्केट में, सारे अंदर अंदर से स्टॉक निकल के आ रहे हैं। जी आशु सर। अनिल जी आपने बहुत ही ऑथेंटिक और लॉजिकल सिमिली दी है कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और अनिल जी इसके साथ एक कैवेट भी दे दीजिए, सर्दी के कपड़े सिर्फ 1.5-2 महीने ही चलते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, ये ध्यान रखें बस। बिल्कुल, अब ये सर्दी कहाँ की, आप देखो अमेरिका की सर्दी तो 8-9 महीने भी चलेंगे और दिल्ली की सर्दी तो 4 महीने और मुंबई की सर्दी तो 4 हफ्ते बस, वो भी मुंबई वालों को लगती है, बाहर वालों को तो लगती नहीं, तो आप कहाँ की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं वो आप देख ले, लेकिन जब तक एंजॉय कर रहे हैं करते रहिए, बढ़िया है मजे। तो कावेरी सीट खरीदिए, ये है राय सेठी साहब की तरफ से, तो सेठी साहब ने खरीदारी करने की दी है राय। आइए सेठी साहब आपका फेवरेट फ्यूचर्स का स्टॉक भी, यार फ्यूचर के स्टॉक आपके बड़े कमाल के होते हैं, ऐसे ऐसे खट 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 टारगेट आते हैं कि देखने लायक होते हैं, बताएं सर कौन सा स्टॉक आज फ्यूचर्स का चुना है आपने? अनिल जी फ्यूचर्स से जो स्टॉक चुना है एक MNC ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है बॉश, स्टॉक का भी भाव चल रहा है 13,470 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स, इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह, बहुत ही जल्दी मुझे लगता है इस स्टॉक में 14,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 13,200 रुपए। 13,200 का स्टॉप लॉस, 13,470 के आसपास खरीदना है, टारगेट कितना है सेठी साहब? 14,000 का टारगेट है शॉर्ट टर्म में। 14,000 का टारगेट है शॉर्ट टर्म में, ये है राय आपके लिए। ओहो सेठी साहब मुझे ऐसा क्यों लगता है ये बॉश कुछ जरूरत से ज्यादा आपको पसंद है, कई बार आपका बॉश के नाम से आपका और कुणाल जी का दो लोगों का कुछ विशेष स्नेह है इस स्टॉक पर? नहीं अनिल जी देखिए अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, दिग्गज कंपनी, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, और फिर नाम बॉस है तो बॉस नाम भी पसंद आता है अनिल जी, तो उस लिहाज से ये हमेशा रडार पे रहता है और आ जाता है।
चलिए कुणाल जी के भी रडार पर रहने वाली ये विदेशी कंपनी, कुणाल जी जरा चार्ट देख लीजिए बॉश, बिल्कुल सेठी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है ना एकदम? अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठी साहब, अनिल जी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है। और अनिल जी उसके साथ जो आपने कहा कि बॉश से मेरा विशेष स्नेह है, अनिल जी ये पहला एमएनसी स्टॉक था जिसने मुझे जबरदस्त प्रॉफिट दिया था, तो मेरे करियर की शुरुआत का अनिल जी स्टॉक है। तो इसका पहले नाम माइको होता था अनिल जी, उस जमाने से मेरे पास था ये। तो बॉश में अनिल जी बिल्कुल स्नेह है, दिल के बहुत करीब ये स्टॉक है, ब्रेकआउट आ रहा है, बिल्कुल मैं साथ हूँ सेठी साहब के, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सब लोगों की किस्मत कुणाल जी की जैसी हो जाए ना, क्या कहने, जबरदस्त रिटर्न। यहाँ तो जबरदस्ती करने के बाद भी रिटर्न नहीं आते, और आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जबरदस्त रिटर्न देते हैं, बाकी लोग लगे रहते हैं कि जबरदस्ती करते हैं, कोई तो स्टॉक रिटर्न दे जाए। तो सीखिए कुणाल जी से कि किस तरह से आपको बढ़िया स्टॉक खरीदकर कुंडली मारकर, जैसे वो है ना पुराने जमाने में आप कहानियां नहीं सुनते थे कि एक राजा के पास बड़ा खजाना था और उसमें एक काला सांप नाग कोबरा ऐसा कुंडली मार के बैठ जाता था कि कोई आ नहीं सकता, वैसे ही है ना कुणाल जी है ना सारे बढ़िया बढ़िया एमएनसी स्टॉक भरकर अपने पोर्टफोलियो में रख के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं कि बस ये बढ़ता रहेगा इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, कोई छू नहीं सकता। तो कुणाल जी अपने छोटे कुणाल जी के लिए पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं अगली जनरेशन के लिए, और वो उनको भी मजा आता दिख रहा है। तो चलिए कावेरी और बॉश दो बेहतरीन स्टॉक है कुणाल सेठी साहब के रडार पर, जो सेठी साहब ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में है, ये न तो चार्ट कॉर्नर होगा, न एल्गो ट्रेड होगा, और नहीं स्पेशल पिक होगा। तो फिर आप सोचेंगे, और नहीं पिक ऑफ द डे होगा जो कल वाला आज देते हैं, तो अब आप सोचेंगे कि ये होगा क्या फिर जब चारों ही नहीं है। लेकिन देखिए कुणाल जी राकेश जी का दिमाग है ना मतलब बहुत तेजी से चलता है, तो इस बार कुणाल जी और राकेश जी कुछ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आए, और वो है पिक ऑफ द सीरीज। जी हाँ, पूरी सीरीज का शेयर आपके लिए आने की तैयारी में। उसके लिए करना है आपको सिर्फ दो मिनट का इंतजार, क्योंकि इनसे पहले ये मार्ग व्यस्त है, और उस मार्ग में आपसे आगे लाइन में है वागले साहब। तो वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी ज्यादातर मैं ये स्टॉक कवर नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा इनलिक्विड टाइप का है, सेकेंडली मेरे पोर्टफोलियो में है तो वापस डिस्क्लोजर देना पड़ता है, लेकिन अभी पैटर्न इतना क्लियर है मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ जो सचिन ने कहा है। स्टॉक है लुपिन, 960 के ऊपर जैसे ही निकला है 40 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ आज और कल में, और इसके लिए आपको रिस्क सिर्फ 10 रुपए का लेना है। तो 968 में आप लेते हो, 957.58 का स्टॉप लॉस जो 10 रुपए का रिस्क बनेगा, 990 और 1000 इसके बीच में का टारगेट मुझे लगता है आज, और आज तो नहीं आएगा लेकिन कल या परसों तक आना चाहिए। पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत एक्साइटिंग है, इसके लिए मैंने कवर किया है, और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। तो जय की तरफ से आप हाँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है किसी का भी हो। क्या टारगेट है वागले साहब लॉन्ग टर्म का? अनिल जी 1.5 से 2 साल में 1400 से 1600 का मेरा टारगेट है, और उसके पहले मैं बेचूंगा नहीं। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं तो बोल रहा हूँ 1500-1600 नहीं उससे भी ज्यादा हो, और इसके ऊपर जितना भी ज्यादा हो उसे आप दोस्तों के साथ लाइफ एंजॉय करने में खर्च करें। आपका टारगेट 1500 है, 1500 के ऊपर जितना भी लुपिन बढ़ेगा उस पैसे पे आपका कोई हक नहीं, उस पैसे पे हक होगा काफी कुछ जय ठक्कर का जिसने भी रिकमेंड किया है, और बाकी कुणाल जी राकेश जी सब लोगों ने जो रिकमेंड किया है सबका बराबर हक बनेगा 1500 रुपए के ऊपर का। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लुपिन के बाद अब आपके लिए स्टॉक है सचिन जी की तरफ से BTST का बिगुल, और उसके बाद एक बेहतरीन पिक ऑफ द सीरीज की पिक ऑफ द सीरीज भी आने वाली। तो पहले सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सचिन जी। अनिल जी लुपिन मैंने भी वापस रिआइट्रेट किया है, एंड जो फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है वो है PEL में। यस सर, तो पिरामल एंटरप्राइज पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, 1500 का लेवल जो है वो पार कर रहा है काउंटर, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम बनना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1545 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 1600 के आसपास का स्विंग जरूर बनना चाहिए, तो 100 रुपए की अपसाइड है।
जिसे कैपिटलाइज करना चाहिए 16 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है अराउंड 1484 का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, 1545 का होगा फर्स्ट टारगेट एंड 1600 का होगा फाइनल टारगेट। खरीदना है पीईएल। ओके, पीएल पिरामल एंटरप्राइजेस, और जब से हमने खबर की 1425-30 रुपए के आसपास पिरामल एंटरप्राइजेस की इनका ग्लास बिजनेस $1 बिलियन में बिकने की तैयारी में, तब से स्टॉक पीछे मुड़कर देख नहीं रहा, जबरदस्त सेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 1460 रुपए के आसपास आकर बार बार अटकता था और वहीं से पार जो हुआ उसके बाद लगातार खरीदारी। मुझे याद है उस समय भी वागले साहब ने कहा था 1500-1520 तक तो आराम से जाता हुआ दिखेगा और वहां तक पहुंच भी चुका है, यहां से भी बढ़िया तेजी बनेगी आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, अब वक्त है उस स्टॉक का जिसका इंतजार आपको है, मुझको है, सबको है, कुणाल जी और राकेश जी के लिए। और कुणाल जी राकेश जी देखिए हमारी भी एक्शन, देखिए हमारी टीम की, आपने अभी आज कोई ऐसा सोमवार के दिन कोई वजह ऐसी बनती नहीं आप पिकऑफ से सीरीज दे, देखो ईमानदारी की बात तो है, न तो आज सीरीज की शुरुआत हो रही है न महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या है अब आपका मन है तो आपका मन तो हमें रखना पड़ेगा, तोड़ नहीं सकते हैं, तो हमने भी है ना पिक ऑफ द सीरीज का बिगुल ढूंढ ढांढ के निकाल दिया सर्दी के कपड़ों की तरह, बिगुल के बाद पिक ऑफ द सीरीज। बताइए सर। अनिल जी देखिए एक जबरदस्त काउंटर है और अनिल जी इसको चुनने का बिल्कुल एक अलग तरीका मैंने और राकेश जी ने चुना है। तो अनिल जी एक डार्वास बॉक्स थ्योरी होती है टेक्निकल्स में, उसके जरिए एक स्टॉक निकला है अनिल जी जिसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही दमदार चार्ट है अनिल जी, और इसमें हमें उम्मीद है कि आपको एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। सारे एनबीएफसी स्टॉक्स एक एक करके तेज हो रहे हैं और ये जो स्टॉक है अनिल जी इसमें मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है, लेवल्स देंगे राकेश जी, ओवर टू राकेश जी। अनिल जी काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है और देखिए कुणाल जी ने इसलिए शुरुआत करी अनिल जी क्योंकि थोड़ा सा मन मतभेद है हमारा, मेरी समझ से पिक ऑफ द वीक था, कुणाल जी पिक ऑफ द सीरीज कह रहे थे, मुझे लगता है कि टारगेट्स इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे, तो कुणाल जी को लगा कहीं मैं पिक ऑफ द वीक ना बोलूं इसलिए उन्होंने शुरुआत करी। बट बेहतरीन स्टॉक है, 668 पहला टारगेट है, 674 दूसरा टारगेट है, 634 का स्टॉप लॉस है और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को खरीदारी की राय है। गुड के सिनेरियो में ये टारगेट्स मुझे तो लगता है अनिल जी इसी सप्ताह में देखने को मिलेंगे, बट इस सप्ताह नहीं तो थोड़ा होल्ड ओवर भी करा तो भी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर खरीदारी की राय है। वाह क्या बात है, दोनों में मतभेद है, मतभेद भी ऐसे कि मतलब हमको पसंद आए, जैसे एक कह रहा महीना पर लगेगा एक कह रहा हफ्ता पर लगेगा, हम यही चाहते हैं। अच्छा बाय द वे मैक्स फाइनेंशियल वाकई में आपके लिए पिक ऑफ द सीरीज हो सकता है और उसकी वजह यह है कि अब इसके ऊपर जो वो काफी टाइम से तलवार लटकी हुई थी ना कि जो स्टेक सेल वाली मैक्स फाइनेंशियल में जो सुमितोमो जो स्टेक बेच रहे थे वो पूरा मामला क्लियर हो गया है, ईडा वीडा सारी अप्रूवल्स जो आनी थी वो आ गई है, मतलब अब इसमें कोई कहीं कोई झंझट बचा नहीं, सारी स्टेचुरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसके लिए जो काफी लंबे समय से जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो शायद खत्म होती दिखेगी। तो ये है कुणाल जी और राकेश जी का बेहतरीन पिक। और इंश्योरेंस स्टॉक देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों इंश्योरेंस स्टॉक रिकमेंड करके गए थे भसीन साहब, ये भी इंश्योरेंस स्टॉक उसी स्पेस से, यहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी का मौका। लेकिन 668-674 ये तो वीकली वाले टारगेट है, कुणाल जी मंथली वाले टारगेट कहां है इसमें? अनिल जी देखिए जिस तरह का यहाँ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये टारगेट भी ओवरशूट करेंगे, लेकिन अनिल जी देखिए जिस तरह का हमारा दोनों का राकेश जी का और मेरा जिस लेवल पर समन्वय बनता है अनिल जी वही लेवल हम लोग देते हैं, तो हमारा जो कंसेंसस टारगेट है वो अनिल जी यही है, बाकी मेरी पर्सनल राय है कि और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके चलिए मैं बंसल जी के इतनी बड़ी स्माइल आई ना जब मैंने ये आपका सवाल पूछा, बंसल जी को लगा अनिल जी तो मेरे साथ है बिल्कुल, लेकिन बंसल जी ये सवाल मैंने व्यूअर्स के बिहाफ पे पूछा था कि वीक ऑफ द पीक ऑफ द सीरीज के लिए थोड़े लेवल्स मुझे बड़े चाहिए वो ध्यान में रखिएगा। आइए बट एनीवे MFSL बेहतरीन स्टॉक खरीदारी करने की राय, आइए सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी
अनिल जी आता हूँ थोड़ी देर में वापस, जो स्टॉक देने वाला था वो तो ऑलरेडी 4% ऊपर आ गया है, तो हाई लेवल्स पे नहीं देना है मेरे को, तो मैं दूसरा स्टॉक ढूंढता हूँ, वापस आता हूँ थोड़ी देर में अनिल जी आपके पास। जी अनिल जी, अनिल जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो दिया था आपने बोला था भागना चाहिए, 10% ऊपर है अनिल जी, 10%। हाँ वाह, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, मतलब वही वाली बात है कि ये मिड कैप का महाकुंभ चल रहा है, अगले 4-5 दिन जितनी डुबकी लगानी, जितने स्नान करना है, जितना आपको कूदना फादना है, जो करना है कर लीजिए, वैसा वाला मामला है। तो सुमित जी हमारा बिल्कुल खाली नहीं जाना चाहिए, जल्दी से आप तैयारी करें, तब तक वागले साहब आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वागले का वंडर। जी वागले साहब, अनिल जी ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से आउट परफॉर्म कर रहा है और एक हाई मोमेंटम स्टॉक है और इसमें बहुत फास्ट मूव आती है। स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस, 464 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने अभी अभी निकाला है, 4 दिन का टॉप है 463 का, तो अभी 464.50-465 में बाय करें, 463 के नीचे का स्टॉप लॉस, 472 का पहला टारगेट जो आज आना चाहिए 6 से 8 रुपये, और 485 का मेरा दूसरा टारगेट होगा जो मुझे लगता है वो भी कल आ सकता है। ओके 400 472 आज, 485 कल, अदानी एंटरप्राइज, क्या बात है, क्या स्टॉक भागा है, गजब का एक्शन यहां पर भी होता हुआ। आइए बढ़ते आगे और बसिन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिगुल उनके लिए और करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है बसिन साहब आपका, बधाई सर। पहले तो अपडेट और उसके बाद मैं आपसे लूंगा फ्रेश कॉल। जी सर। अनिल जी अपडेट ये है कि मेरे को बहुत पीछे लगे थे लोग बाग, जब ONGC का भाव 68-70 था और वहीं घूमते रहता था, आज ONGC ने विदिन वन मंथ 94 का हाई मार दिया। उसके अलावा कोल इंडिया 138 मिल गया, REC जो मैं बहुत जोर से बोलता था 130, PFC 118, लूपिन 972 मिल गया आज, जो आपको कुछ दिनों से मैं कह रहा था फार्मा, और आपका जो मैंने नाम लिया नहीं, और आपका जो 180 वाला और सन टीवी, दे आर बोथ आउट परफॉर्म, तो ये कहते हैं कॉल, और बने रहेंगे तभी आपको PSUs में मजा आएगा। अब जो जिन्होंने है वो प्रॉफिट बुक जरूर करिए, डोंट मिस ऑन दैट। भारती मेरी कन्विक्शन पिक थी, 509 हो गया, जो 410, 405, 402 हर भाव पे मैंने कहा, तो अब के लिए अपडेट ये है सर, आपको बाय दिया हुए हैं मैंने, HDFC लाइफ एंड SBI, ये मेरे टॉप 2 पिक्स हैं, नॉट फॉर द नेक्स्ट वीक बट फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड द नेक्स्ट 2-5 इयर्स, अनक्वेश्चनेबली इंश्योरेंस, फार्मा एंड IT विल आउट परफॉर्म। उसके सामने सेल दिया था बजाज फाइनेंस 4855 पे, वही भाव है। अब आप कहें तो मेरे पे एक पिक है जो कन्विक्शन बाय है यहाँ पे और जो आउट परफॉर्म करेगा और मेरा एक चाहती शेयर है, आप कहें तो मैं शुरू करूँ सर। परफेक्ट सर, बताएं सर, बताएं, इंतजार है उसका सर। ITC आज ITC ने अगर यहाँ क्लोज हो जाता है तो मुझे 15 रुपए की चाल दिख रही है, 202 रुपए 8 आने में लीजिए, 198 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट हो सकता है कल या इस वीक में। ओके ITC में करें खरीदारी, 215 रुपए तक के टारगेट के लिए, ये है अगला स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है बसिन साहब की तरफ से, तो बेहतरीन पिक बसिन साहब की तरफ से भी आती हुई आपके लिए। ओके और इस बीच जो निफ्टी का कॉल खरीदने की राय दी थी नितिन जी ने, वो 99 के चक्कर में 85 रुपए में खरीदने के लिए राय दी थी और 99 का आता हुआ दिख रहा है। आइए भारतीय एयरटेल की बात निकली तो एक अपडेट आशु सर से भी लिया जाए। दीप हम तो भूल ही गए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी, तो चलिए जल्दी से 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी ले लेंगे, उससे पहले एक बार आशु सर से बात करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अनिल जी मैंने तो अभी 502 पे ही बात की थी, अनिल जी ये बल्कि बहुत सारे लोग ना पुराना थक थक के जो फंसे हुए थे वो धीरे धीरे हब भाव पे निकल रहे हैं और ये चुपचाप जिस तरह से निकल रहा है अनिल जी, मैं तो इसमें लग रहा है कि पहले तो 502 के ऊपर खड़ा हो गया था, अब 508 आ गया अभी चुप चुप करके, तो ये तो अनिल जी बहुत मुझे स्ट्रांग लग रहा है, तो इस पे तो जरूर बने रहना चाहिए। और अनिल जी बाकी भी जैसे हमने मार्केट की बात की थी, आप देखिए आधे पौने घंटे में मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी इन स्पाइट ऑफ डाउ फ्यूचर्स वीक वगैरह डे हाई पे आके खड़े हो गए। सन टीवी भी अनिल जी 464.65 आ गया है, लेकिन ये 4-5 रुपए की कॉल नहीं है अनिल जी, ऊपर नीचे जरूर होगा लेकिन स्टॉक्स में बने रहने से पैसे आएंगे अनिल जी, डरना नहीं है बिल्कुल।
बिल्कुल, तो डरना नहीं है, भारतीय एयरटेल आशु जी की कन्विक्शन कॉल रही है, 400 से बोल रहे हैं और अब तो कह रहे हैं कि यहाँ से और अपवर्ड मूव आएगा और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर बढ़िया एक्शन है, पर मार्केट्स में बढ़िया एक्शन है। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, भारतीय बाजार में तो जबरदस्त एक्शन है सर, आज ग्लोबल मार्केट से सहारा वैसे नहीं मिल रहा है उतना। डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो आधा परसेंट नीचे है, 160 पॉइंट्स की गिरावट है। नैसडैक फ्यूचर्स में 0.25% की गिरावट दिख रही है। यूरोप की सुस्त शुरुआत हुई थी, हालांकि यूके के बाजार अब पॉजिटिव हो गए हैं। जर्मनी में आधे परसेंट की गिरावट है और फ्रांस में भी हम देख रहे हैं सर 1% नीचे है। ब्रेग्जिट पर चर्चा होने वाली है और कल से यूके में कोरोना की वैक्सीन भी लोगों को दी जाएगी, ये शुरुआत हो रही है। एशिया आज कमजोरी ट्रेड रहा, हांगकांग 1.25% नीचे था। खबरें आ रही हैं कि शायद चाइना के कुछ ऑफिशियल्स पर यूएस एडिशनल सैंक्शंस लगा सकता है। चाइना के बाजार भी ऑलमोस्ट 1% नीचे थे और जापान भी 0.5% नीचे ही था। तो कमजोर ग्लोबल क्यूज हैं सर, पर भारतीय बाजार में जबरदस्त एक्शन है, बताएं क्या करें। तो अगर हमको ग्लोबल मार्केट से सहारा नहीं मिल रहा तो दीप, हम एक काम कर सकते हैं, हम ग्लोबल मार्केट को सहारा दे सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि उनका मूड माहौल ठीक रहे। हमारे यहाँ तो चुस्त दुरुस्त से कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, इसीलिए सुबह हम बात कर रहे थे कि जितना नीचे खुलेगा उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदेंगे। तो अपने यहाँ सब ठीक है भाई, अपने यहाँ हरे हरे कलर के डॉलर भी आ रहे हैं, अपने यहाँ टेक्निकली तो मतलब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है। एफएनओ के डेटा मजबूत है, मोमेंटम बढ़िया है, सब तरह से ठीक है। अब और सबसे बढ़िया बात डेटा, अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो 13,300-310 के आसपास निफ्टी बहुत बढ़िया खरीदारी का मौका दे रहा था। क्यों दे रहा था मैं बताता हूँ, 13,300 पर निफ्टी के पुट पर है 27 लाख शेयर और कॉल्स पर भी है 27 लाख शेयर। देखिए दोनों पुट और कॉल में बराबर का ओपन इंटरेस्ट है 13,300 पर, उसमें से 20 लाख शेयर पुट आज जुड़े हैं। इसका मतलब यह कि तेजी करने वाले हावी है और पहली चीज जो आप कंफर्ट ले सकते हैं वो ये कि 13,300 के नीचे बंद नहीं होंगे। देखिए डाओ नीचे है 150 पॉइंट, उसके बावजूद 13,300 के नीचे बंद नहीं होंगे आप, ये कंफर्ट आपको दिख रहा है सबसे बड़ी बात, तो पहली चीज तो ये, तो आपके पास डेटा का पावर है। अब चलिए मान लिया ये तो पावर हो गया, अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट क्या है? अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो 13,100 से 13,200 ये 100 पॉइंट की रेंज मल्टीपल सपोर्ट है, 13,110, 13,150, 13,200, क्योंकि 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 13,200 के पुट पर है जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे तेजी के मार्केट में वहां सपोर्ट नहीं लेगा तो कहां लेगा? तो डेटा आपको साफ बता रहे कि ये आपके लिए दूसरा बड़ा सपोर्ट आपके सामने आ गया। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, ऊपर है ना रुकावट बड़ी है ही नहीं, 13,400 पे छोटा 25 लाख शेयरों का है, 13,500 पे 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो आपके लिए रास्ता खुल रहा है ऊपर का। अगर फर्ज करें कि चलिए अभी डाउ फ्यूचर 150 नीचे है, इसके मुकाबले में डाउ फ्यूचर्स थोड़ी भी ऊपर बंद हो जाए या इतने कमजोरी के साथ बंद ना हो, 5-25 पॉइंट के साथ कमजोरी के साथ बंद हो जाए, तो कल ही आप 13,400 पार कर जाएंगे। और समझिए डाउ फ्यूचर्स बंद भी हुए और एफआईएस की तो आपके आज खरीदारी के आंकड़े आने हैं, तो वो आपको वैसे भी नीचे सपोर्ट देंगे। तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें एक अलग बात हो सकती है, लेकिन डेटा आपको ये बता रहे हैं कि मजबूती का ट्रेड है और हो सकता है दिन के हाई पॉइंट के आसपास बाजार बंद होने की कोशिश करे। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद होने की कोशिश बाजार कर सकता है, ये डेटा में नजर आ रहा है। और 13,300 रॉक बॉटम सपोर्ट हो गया ये आपके लिए निफ्टी पर, ऊपर 13,400 के आसपास तक जाने की तैयारी निफ्टी की बन सकती, तो ये मजबूत सपोर्ट है आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इस वक्त आपका चल रहा है 30,275, ठीक है, 30,350, 30,425, ये दो टारगेट आज के लिए बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी क्या है दीप, 30,000 के पुट पे 10 लाख शेयर हैं और 30,000 के कॉल्स पर 7 लाख शेयर हैं, तो ओपन इंटरेस्ट 30,000 के लेवल पर सपोर्ट के तौर पर। आज थोड़ी देर के लिए आप 29,950 गए, उसके अलावा गए नहीं आप 30,000 के आसपास। आप देखिए पूरी लाइन देखिए, 12 बजे तक मिड सेशन तक पूरा का पूरा आप 30,000 के आसपास 50 पॉइंट ऊपर नीचे में आराम से, और फिर जब एकदम से ब्रेकआउट हुआ ना तो वो हाथ में नहीं आया, 30,200 जो पार किया उसके बाद से मजबूत हुए जा रहा है, मजबूत हुए जा रहा है, मजबूत हुए जा रहा है। तो ये 30,425 ये टारगेट आज का बनता है, 30,425 यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद देखेंगे कल अगर गैप मिला तो 30,500 के ऊपर की आगे की तैयारी करेंगे, तब 30,625 अगला टारगेट होगा। लेकिन कुल मिलाकर मंदी करने वाला मामला है नहीं और तेजी की पोजीशन में अगर आप बने रहेंगे तो बेहतर है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका है, 30,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए आप बैंक निफ्टी में, 30,200 का कॉल ऑप्शन 370-375 के आसपास लास्ट मैंने देखा था, अभी मुझे नहीं पता क्या चला है, लेकिन 370-375 के आसपास और 30,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच दें, आपके लिए परफेक्ट ट्रेड हो गया। और इधर आप 13,350 का कॉल ऑप्शन खरीद कर
13,500 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं निफ्टी में। 13,350 का खरीदिए, 13,500 का बेचिए, 30,300 का खरीदिए और माफ कीजिएगा 30,200 का खरीदिए और 30,500 का बेच दीजिए, ये आपके लिए परफेक्ट ट्रेड बनेगा। तो फिर से देखिए, बात करते करते दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर, नए रिकॉर्ड पर, करेक्ट। तो यही चीज है जो आपको मार्केट दिखा रही कि बहुत मजबूती के साथ बाजार है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रही। अब देखते हैं रात को अमेरिका में क्या होता है। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, और फ्राइडे के दिन भी आपने यही कहा था सर कि मार्केट्स दिन के हाई पर क्लोज होने वाली है और एग्जैक्टली वैसा हुआ, रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। कल डाउ में भी एग्जैक्टली फ्राइडे को डाउ में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, दिन के हाई पर डाउ क्लोज हुआ नए रिकॉर्ड पर, और आज लगता है कि एक बार फिर से ऐसा ही होने वाला है। तो जबरदस्त एक्शन बाजार में, नजर रखिए। इस एक्शन के बीच कई और स्टॉक्स जहां पर आपको रखना है फोकस, बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। पता है सुमित जी, दीपांशु बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 60.30 रुपए, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम है। बैंक ऑफ बड़ौदा हम कंटिन्यूसली 40 रुपए के लेवल से बाय दे रहे हैं और अभी भी लगता है कि यहां से और स्टीम लेफ्ट है और बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से और तेजी दिखा सकता है। जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा कल का हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऐसा लगता है यहां से ऊपर के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 64 से 65 रुपए के इमीडिएट टारगेट होंगे। और अगर मार्केट्स में रैली ऐसी चलती रही तो बैंक ऑफ बड़ौदा 70 रुपए तक के लेवल भी दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कैश में भी चल रहा है 60.25-60.30 रुपए, इसको खरीदारी करें। ऑप्शंस के जरिए 60 रुपए वाला कॉल अभी 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में नीचे में जो सपोर्ट है 56-57 रुपए के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस लगाए स्पॉट लेवल के हिसाब से। ऊपर में 64-65 इमीडिएट टारगेट होंगे, हो सकता है इसी रैली में 68-70 रुपए तक का मूव भी देखने को मिले। स्पॉट के लेवल्स हुए ऑप्शंस के अंदर 60 वाला कॉल यहां पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 2.50 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 6 रुपए से लेकर 7 रुपए तक का। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर जबरदस्त एक्शन, और सुमित जी इस स्टॉक पर लगातार अपना कन्विक्शन भी दिखा रहे हैं, कई और एक्सपर्ट्स ने भी यहां पर आपको कॉल्स दी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नजर रखिए बैंकिंग स्पेस पर, और कुछ दिग्गज बैंक्स भी हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ICICI बैंक यहां पर फ्रेश मूव आई है 490 के लेवल से, और यहां पर कुछ खबरों के भी ट्रिगर्स हैं, पिछले हफ्ते इनकी एक एनालिस्ट मीट भी हुई थी। तो चलते हैं देवांशी के पास और जानते हैं कि एनालिस्ट मीट के बाद बाजार का व्यू कैसा बन रहा है ICICI बैंक पर, बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए जो एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी उसमें काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी थी सारे ही फ्रंट पर, और उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव होते हुए दिखे। सबसे पहले अगर कमेंट्री की बात करें तो जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनकी वो काफी मजबूत है, इस पर काफी जोर इस बार देने में आया था एनालिस्ट मीट में। आप देखिए जिस तरह से HDFC बैंक और SBI में थोड़ी सी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिक्कतें होती हुई दिखी, उसके बाद ICICI का ये कहना था कि इनकी डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो काफी मजबूत है, यही नहीं इस पर काफी अच्छी ग्रोथ की जो योजना है वो बैंक करते हुए दिख रही है। इससे भी जो आय है सारे सेगमेंट्स में या सारे वर्टिकल्स में वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार उनकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनसे जो आय है या जो लोन है उसमें काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी थी। इसके अलावा जो विस्तार की योजना है उसमें कंपनी का यही कहना था कि जो छोटे बाजार है माइक्रो मार्केट्स, इस पर कंपनी लगातार फोकस करती हुई दिख रही है और बैंक की वहाँ पे विस्तार की योजना बनती हुई दिख रही है। जो मांग है रूरल में वो काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है, और इसी के चलते जो रूरल सेगमेंट है यहाँ पे बैंक लगातार फोकस करती आ रही है। साथ ही जो रिटेल ग्रोथ है, एक तो सिक्योर लोन्स हैं और यहाँ पे लगातार जो मांग है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। डिसबर्समेंट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उनका कहना था कि इस बार जो डिसबर्समेंट्स हैं फरवरी के मुकाबले 133% पे आते हुए दिखे थे, जो कि प्री कोविड के भी लेवल्स के ऊपर है, ये पॉजिटिव कमेंट्री थी। साथ ही इनका ये भी कहना था कि जो SME और कॉर्पोरेट लोन बुक है यहाँ पे आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कतें NPA को लेके, एसेट क्वालिटी को लेके ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो कुल बुक के केवल 1% की रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिख सकती है, तो ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है। और साथ ही क्रेडिट कॉस्ट आगे चल के काफ़ी सामान्य होता हुआ दिखेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिनस हैं इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, और इसी के चलते जो इनके ROEs हैं वो 15% तक पहुंचने का अनुमान FY23 तक किया जा रहा है। और इसी के चलते ICICI बैंक अब देखिए फोकस में है, सारे ब्रोकिंग हाउसेस अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, 560 के लक्ष्य थे वहां से बढ़ाकर अब 625 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, और नॉमरा भी 525 से बढ़ाकर 625 तक के लेवल्स यहां पे देख रही है। तो कुल मिला के ये बैंक है जो कि काफी पॉजिटिव देखी जा रही है।
बिल्कुल, तो बड़ा बुलिश व्यू है स्ट्रीट का आईसीआईसीआई बैंक पर। पिछले कुछ दिनों में ऑफकोर्स तेजी भी आती हुई दिखी है। आज सुबह बागले साहब की पिक ऑफ द डे भी थी और बागले साहब डेज हाई से ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा अनिल जी कह रहे थे अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट्स का उछाल आता है तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक का क्या रोल रहेगा सर, और कुछ फ्रेश लेवल जो आप ट्रैक करना चाहेंगे स्टॉक पे? 522 का टारगेट था, अभी आना चाहिए, तो अभी भी इसमें अभी भी आधा घंटा बाकी है, तो देखता हूँ। मेरे हिसाब से आज का वो टारगेट आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मे भी कल आना चाहिए, लेकिन मेरा ये व्यू, ये मूव 540 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो आपको पोजिशनल व्यू लेना है तो 496 के स्टॉप लॉस और 535-540 के टारगेट के लिए 3-4 दिन के व्यू से बने रहे। ओके, तो बने रहिए और बड़े टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह विश्वेश जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, फ्राइडे को भी उन्होंने इस पर कॉल दिया था, और यहाँ से और मूव आ सकती है, और जिस तरह से एनालिस्ट मीट से एक बुलिश व्यू बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक पर, शायद और तेज़ी ये स्टॉक आपको दिखाएगा इस समय। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर रखनी है नज़र, फिलहाल एक्शन भरपूर है। यूपीएल यहाँ पर बड़ा मूव आया है, सिटी साहब ने भी इस स्टॉक पर आपके लिए राय दी थी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बढ़िया रैली आई है, बल्कि 413 के लेवल से अगर आप यूपीएल देखें तो वहां से तो एक शानदार उछाल ऑलरेडी आ चुका है। ऑडिटर कंसर्न्स की वजह से ऑफ कोर्स हमने थोड़े कंसर्न्स देखे थे, पर उसके बाद से स्टॉक एक बढ़िया एक्शन में है। सुमित जी, पिछले हफ्ते आपने इस पर रिकमेंडेशन दी थी यूपीएल, ये तो आपके टारगेट्स के भी अब ऊपर है सर, बताएं क्या करें यूपीएल में? बिल्कुल दीपांशु, आपको एकदम सही याद है, एकदम लोअर लेवल्स पे इसमें बाय पकड़ा था 420-424 के आसपास, और वहां से ये पिछले 4 दिनों में रोज तेजी का मूव दिखा रहा है, रोज ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और वन वे मूव देखने को मिल रहा है। 470-475 के इसके टारगेट थे, वो अचीव हो रहे हैं, और अब यहां से ये रैली और एक्सटेंड होगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, और स्टॉक यहां से ऊपर में 500 की तरफ मूव कर रहा है। रिसेंट के जो स्विंग हाई है वो भी स्टॉक में आज ब्रेक हुए हैं, तो ये अच्छे संकेत है स्टॉक के लिए। 500 का होगा इसका इमीडिएट टारगेट, अगर ये लेवल टूटते हैं तो 525 रुपए तक भी ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें, 460 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस होल्ड करें 500-525 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 500-525 के टारगेट से, यानी कि यहाँ से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यूपीएल में आती हुई दिख रही है। सचिन जी, आपका एक फेवरेट स्टॉक भारती इंफ्राटेल फ्रेश ब्रेकआउट है, एयरटेल की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट इंफ्राटेल यहाँ से जब से इंडस टावर की डील की खबर आई है स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आज भी 3.5% ऊपर है, अब क्या 250 के ऊपर भी एक्शन बनते हुए देखेंगे इस पे? दीप, इनफैक्ट जब ये काउंटर लगभग अराउंड 185 के आसपास था, हमने एक इंटरमीडिएट टारगेट दिया था अराउंड 210 का, एंड उसके बाद 260 का मैंने एक टारगेट दिया है, मुझे लग रहा है वहां तक तो ये पर्टिकुलर रैली जरूर एक्सटेंड होनी चाहिए। सो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है, जब तक 220-225 के नीचे एक कंसिस्टेंट क्लोजिंग नहीं आती, आई थिंक तब तक यहाँ पर जो ट्रेंड चेंज हुई है वो मुझे लग रहा है बरकरार होगी, एंड जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर्स है मुझे लग रहा है 260 के लिए यहाँ पर अपने लॉन्ग्स रखने चाहिए। इनफैक्ट अगर मौका मिल जाता है, डिक्लाइंस अगर आते हैं तो अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी, 225 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस एंड 260 एक रिव्यू जरूर होगा। ओके, सो 225 का स्टॉप लॉस और 268 पर करिए रिव्यू, बट एक शानदार मूव भारती इंफ्राटेल में आती हुई दिख रही है। एक शानदार कॉल आपके लिए तैयार है अनिल जी की तरफ से, बिगुल कल के 2000। बताएं सर। दीप, एक और कैश मार्केट का स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है, और वो है एस्टेक लाइफ। 1030-1025 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 1025-1030 ये है एस्टेक लाइफ, और इसके नाम से पता नहीं चलता लेकिन ये गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, क्योंकि गोदरेज ग्रुप ने इस कंपनी का टेक ओवर किया था। बाकी सारी कंपनियां गोदरेज ग्रुप की जितनी भी, उनके आगे गोदरेज लगा हुआ है, और बंसल जी की भाषा में गोदरेज है वो, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लेकिन ये एस्टेक लाइफ चूंकि इन्होंने टेक ओवर किया था इसलिए इस पर वो गोदरेज लगा हुआ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेठी साहब को, क्योंकि सेठी साहब से मुझे आइडिया आया। सेठी साहब ने कहा कि एग्रोकेमिकल वाली कंपनियों में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि और कौन सी एग्रोकेमिकल वाली कंपनियां जो अच्छा एक्शन दिखा सकती, तो उसमें एस्टेक लाइफ ये है वो कंपनी जहां पर एक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बता दूं, जापान और अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी है एलजी केमिकल्स, एलजी
जैसे एलजी बालकृष्ण है, हालांकि उनका आपस में कनेक्शन है कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन वो एलजी, एलजी केमिकल्स वो एक बड़ी कंपनी है, और एलजी केमिकल्स को इन्होंने अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किए हैं जापान और यूएसए में ये कंपनी, और ये वर्ल्ड में तीन सबसे बड़ी कंपनियों में एक है। तो जैसे अपने ये फार्मा कंपनियाँ नहीं, एपीआई वाली कंपनियाँ जो दवा का चूर्ण बनाती है, एपीआई बनाती है और वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को एक्सपोर्ट करती है, वैसे ही एस्टेक लाइफ एलजी केमिकल के लिए काम में आने वाले दो ऐसे प्रोडक्ट है जिनका एपीआई टाइप का जो मामला आप समझ लें वो बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट में देख रहा था तो अभी अभी हाल ही में जो आई वो उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से एस्टेक लाइफ की री रेटिंग कर सकती है, और उन्होंने 1838 रुपए का टारगेट दिया, 1838 रुपए का टारगेट, वो भी कितना, सितंबर 2021, यानी कि मुश्किल से 10-12 महीने के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का टारगेट है, वो 1800 प्लस का है आपके लिए एस्टेक लाइफ। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एस्टेक लाइफ की री रेटिंग हो सकती है, और किस तरह से मजबूत ग्रुप, अच्छा पेरेंटेज, बड़ा एक इनके लिए एक्सपोर्ट करने का मौका, वर्ल्ड की टॉप तीन कंपनियों में से एक कंपनी उनके लिए, और ये एपीआई की तरह ये इनके लिए काम में आने वाला रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। मेरा ये समझना यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, 1065 का छोटा टारगेट दिन के लिए रखें, 1080 और 1100 रुपए, इन दो टारगेट के लिए एस्टेक लाइफ में आपके लिए खरीदारी करने की राय है। और स्टॉप लॉस एक बार 1100 रुपए के आसपास का रख लें, बाद में आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है वो स्टॉक जो आपको एक दो दिन में और आने वाले कुछ समय में बढ़िया एक्शन दिखा सकता है, एस्टेक लाइफ। जी दीप, और इसके चार्ट पर भी एक बार मैं सोच रहा हूँ राय ले ली जाए, लगे हाथ। सुमित जी जरा देखिए इसके चार्ट, एस्टेक लाइफ, भारी भरकम वॉल्यूम, अच्छा एक्शन। बिल्कुल अनिल जी, प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स के साथ आ रहे हैं, और पिछले हफ्ते भर के ऊपरी लेवल पर है वॉल्यूम्स, और प्राइस एक्शन बहुत शार्प देखने को मिल रहा है, तो उसको देखते हुए सही पीक है, यहां से स्टॉक भागना चाहिए, ऊपर में 1100 के पहले टारगेट बनेंगे, 1100 का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक के अंदर 1130 1140 तक के लेवल भी फिर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजिशन बना के चले, और नीचे में स्टॉप लॉस स्टॉक के अंदर जो बन रहा है वो करीब करीब 980 के आसपास का बन रहा है, 970-980 जो बढ़िया स्टॉप लॉस है, बाकी ऊपर का स्टॉप लॉस 1100 के आसपास जो आपने दिया, 1000 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो भी लगा सकते हैं आप। बिल्कुल, तो एस्टेक लाइफ पर रखे नजर, और अनिल जी की तरफ से एक बेहतरीन कॉल आती हुई, देखिए 1040 पर रेकमेंड किया था, 1060 तो ऑलरेडी आ गया, 1080 के पहले टारगेट की तरफ स्टॉक मूव कर रहा है। पर कुछ स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी टारगेट्स आ गए हैं, एचयूएल बाजार को लीड भी कर रहा है इस समय, और निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई में जाने का उसका भी एक अहम रोल है आज। अनिल जी ने आपको ऑलरेडी इस पर खरीदारी की राय दी थी, और देखिए टारगेट्स आ गए, और टारगेट्स के काफी ऊपर स्टॉक जा चुका है, एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। अब एचयूएल यहां से तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, 2200 रुपए के आसपास इसके ऊपर बंद होने की तैयारी, निफ्टी पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एचयूएल की बनेगी। 2175 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2215-2220 छोटा टारगेट है, और 2235 का टारगेट मंडे ट्यूजडे तक के लिए। तो यहां पर तेजी के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कल के 2000 एकदम फ्राइडे को क्लोजिंग सेशन में आपने दिया था सर, 2215 का पहला टारगेट था, वो हिट होते हुए दिख रहा है। ना 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 दीप, नहीं 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 नहीं, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जल्दबाजी मत करिए, 15-20 रुपए के लिए ये सब मत करिए, आप रुकिए इसमें आराम से, 2235-2240 के टारगेट के लिए रुकिए। एचयूएल आपके लिए सारे टारगेट हासिल करता हुआ, 2240 का टारगेट आपके लिए आज सुबह का दिया था वो भी हुआ, उसमें काटा है। ऊपर भी आपको स्टॉक बढ़िया गेंस दे रहा है, जी शिपिंग ये भी एक स्टॉक था जहां पर रेकमेंडेशन थी, उसके बाद हम देख रहे हैं टारगेट्स हिट हुए, थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई है, पर एक बार देख लीजिए जी शिपिंग पर क्या भी होता है। जी शिपिंग में खरीदारी करने की राय है, 270 रुपए के आसपास जी शिपिंग का स्टॉक चल रहा है। देखिए मेटल्स सब मजबूत है, कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन का डाइवेस्टमेंट जहां पर बड़े बड़े नाम आते हुए दिख रहे हैं, और एक बार शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए बड़े बड़े नाम आए तो पूरे सेक्टर की री रेटिंग होती हुई दिखेगी। मंडे के सेशन में 290 पहुंच जाए बड़ी बात नहीं है, और अगले हफ्ते 300-350 रुपए तक के टारगेट, बाजार का जिस तरह का मूड माहौल है, 6-6 महीने के टारगेट 6-6 दिन में आते हुए दिख रहे हैं, तो यहां पर जी शिपिंग में खरीदारी करने की राय है। और जी शिपिंग 290 रुपए का टारगेट हासिल कर गया, वहां पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं वो 325 रुपए तक के टारगेट के साथ होल्ड करें। तो
कुछ बढ़िया कॉल अनिल जी की तरफ से और शानदार एक्शन उन स्टॉक्स में आप ऑलरेडी बनते हुए देख रहे हैं। एक कॉल सुमित जी की तरफ से आ रही है आपके लिए, बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक नजर पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 267 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का क्लास ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। रिसेंट के जो स्विंग आई है वो स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। पेट्रोनेट के अंदर यहां से ऐसा लग रहा है कि 280 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए, और वैसे भी लास्ट 3-4 दिनों में स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो पेट्रोनेट के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है, 270 वाला कॉल अभी सीएमपी 9 रुपए 30 पैसे 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। पेट्रोनेट एलएनजी का 270 वाला कॉल अभी सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 258-255 के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस को नजर में ध्यान में रखे स्पॉट लेवल के हिसाब से। ऊपर में 280 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट होगा। 280 का लेवल टूटने पे हो सकता है 300 रुपए तक का मूव भी ये कंटिन्यू करे, 280 का टूटने पे वो टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 258 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 270 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी कर सकते हैं। 6 रुपए 50 पैसा नीचे में ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर में टारगेट बनेगा 13 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का। बाय पेट्रोनेट 270 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 6 रुपए 50 पैसा नीचे में, ऊपर में टारगेट 13 रुपए से लेकर 15 रुपए तक के इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ओके, ये तो अच्छा हुआ कि थोड़े सुमित जी वागले साहब थोड़े धीमे पड़ गए सचिन जी, नहीं तो आज तो बड़े दिनों बाद सप्लीमेंट्री कॉपी लेने का वक्त आ रहा था दीप। ऐसा ऐसा लग रहा था कि आज तो एक पेज, मतलब मैंने फोन साइज छोटी कर करके मैंने सोचा कि एक पेज में किसी तरह से आ जाए, दूसरा पेज लेना ना पड़े, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है। तो ये है मार्केट का हाल इस वक्त, जिस तरह से दमदार कॉल्स आ रहे हैं, और कॉल्स आ रहे हैं आपके लिए, और वो आ रहे हैं कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। जय, स्वागत है आपका, बताएं सर कैश का ऑप्शन। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू। अनिल जी, मॉर्निंग में हमने यही एंटिसिपेट किया था कि निफ्टी 13,360 तक आएगा, और वो इनफैक्ट 66 का भी हाई किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक मोमेंटम कंटिन्यू, और जो हिसाब से 13,300 के ऑप्शंस में, पुट ऑप्शंस में एक हमें अच्छी राइटिंग देखने मिली है, यहाँ पे मैं खरीद कर चलने की सलाह दूंगा 13,300 का कॉल ऑप्शन। इन द मनी कॉल ऑप्शन है 13,300 का, जो करीब अभी 108 पे मिल रहा है, तो 108 पे ये खरीदे। स्टॉप लॉस 75 का रहेगा, सो 33 पॉइंट्स का अनिल जी स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। एंड फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे 13,300 के कॉल में बन रहा है वो है 137 का। 137 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट बन रहा है 152 का। ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स 13,400, जो यू नो हमारा 13,385 है इनफैक्ट पहला टारगेट 360 के बाद, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 400 तक एक्सटेंड होगा, और 400 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया अनिल जी, देन आई थिंक ये 440 तक भी जाएगा कल तक। सो ये दो लेवल्स है 13,400 एंड 13,450, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, और 13,300 अब बेस बन चुका है शॉर्ट टर्म में, वो लेवल जब तक होल्ड कर रहा है निफ्टी में शॉर्ट टर्म में, हमें एक अप ट्रेंड इंटैक ऐसा समझ के चलना चाहिए। सो इसीलिए ये बाय रिकमेंडेशन है। ओके, तो ये है आपके लिए राय, और लगातार कॉल्स के लेवल से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं जय की तरफ से। 13,300 की कॉल खरीदनी है जय की, ये है राय पर। एक जैकपॉट कॉल भी तैयार है जय की तरफ से, बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी भी तेजी कंटिन्यू है। अगर हम देखें तो आज फार्मा स्टॉक्स, सन फार्मा, लुपिन हमने जो रेकमेंड किए थे सभी चल गए। इनफैक्ट यू नो बाकी लोगों ने भी फार्मा आईटी पर यू नो एक रिकमेंडेशन दिया था। सो लार्ज कैप में अभी भी मोमेंटम है, मिड एंड स्मॉल कैप में ब्रेथ अच्छी, बट लार्ज कैप में है। तो लार्सन अगर आप देखें तो लार्सन में वेव 4 कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, यहाँ पे फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन द मनी कॉल ऑप्शन इसका 1160 का लेकर चलना चाहिए 4830 पे 1160 का इंदा मनी कॉल ऑप्शन लार्सन का खरीदे। क्लियर स्टॉप लॉस है इस पे 3490 का, राइट। सो यू नो 4830 पे लेना है,
3490 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट दीपांशु बनेगा 61 रुपये का, दूसरा टारगेट लगभग बनता है 74 का। ये दो अग्रेसिव टारगेट्स के लिए लार्सन का इन द मनी 1160 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्सन में वेव 4 कंसोलिडेशन क्लियरली खत्म हो चुका है और यहाँ पे ये स्टॉक जो हिसाब से एक चैनलाइज मूव दिखा रहा है ऊपर में, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1200 का पहला टारगेट बनेगा इसमें और दूसरा टारगेट थोड़ा और भी अग्रेसिव है, लगभग 1235 का है। सो 1200 और 1235 तक के लेवल से हमें लार्सन में देखने मिल सकता है और ये निफ्टी को काफ़ी हेल्प कर सकता है ऊपर लेकर जाने में, तो ये एक बाय रिकमेंडेशन ऑप्शन में। इनफैक्ट दीपांशु एक बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट कैश स्टॉक में भी आया है, तो जब भी आप कहेंगे तभी मैं उसमें भी एक कॉल दे दूंगा। ये तो बराबर है आप जो बोल रहे हो, उसके लिए भी मैं आपके लिए बिल्कुल बजाता हूँ, लेकिन निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम करेगा ITC, L&T, भारतीय एयरटेल। L&T आप भारतीय ITC में और भारतीय एयरटेल कुणाल, माफ कीजिएगा आशु सर, तीनों अपना अपना जोर लगाते रहे। मेरा तो खैर सबके साथ ही है, आप सबके साथ मेरा जोर तो है ही, लेकिन ये तीन स्टॉक निफ्टी के दिख रहे हैं मजबूत जो और ऊपर निफ्टी को थामने के लिए तैयार है। आइए बिगुल, आपके लिए जय का जैकपॉट। बताइए अनिल जी, रेन इंडस्ट्रीज जो लगभग 7% अप है, इसमें बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है 134.35 के आसपास, 134 से हम पकड़ते हैं राउंड फिगर, तो 134 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है रेन इंडस्ट्रीज, इसको खरीद कर चलना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ये स्टॉक में देखने मिल रहा है, क्लियर एक बेस रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो चुका है इसमें। इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो हिसाब से एक बेस पैटर्न फॉर्म हुआ है अनिल जी, इसका जो पहला टारगेट रेन इंडस्ट्रीज का बन रहा है, मैं थोड़े लंबे टारगेट दूंगा अनिल जी इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लेना नहीं चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। सो पहला टारगेट 134 पे मैं दूंगा 175 का, तो लगभग 40 रुपये ऊपर, और दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है डेट कम्स टू अराउंड 220। सो 175-220 ये दो टारगेट्स के लिए रेन इंडस्ट्रीज़ को खरीदना है। अनिल जी स्टॉप लॉस भी थोड़ा हम दूर का ही लगाएंगे इसमें, बिकॉज ब्रेकआउट इतना बड़ा है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो आई डोंट थिंक लेना चाहिए। अगर किसी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिले तो ठीक है, बट इसका इसमें सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो 112 का है। सो इतना बढ़िया एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, तो इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिए रेन इंडस्ट्रीज, ये है जय की तरफ से राय। पर आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जबरदस्त एक्शन है बाजार में, चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रेटजी के लिए। अनिल जी, जब से लास्ट टाइम स्ट्रेटजी ली थी 50 पॉइंट की रिकवरी हुई है सर डाउ फ्यूचर्स में, तो अब 100 अंक नीचे हैं, उस समय जब हम बात कर रहे थे तो लगभग 160-170-180 अंक नीचे थे, तो 50 पॉइंट्स की रिकवरी जरूर हुई है डाउ फ्यूचर्स में, पर अभी भी गिरावट है। नैसडैक फ्यूचर्स में भी हल्की सी रिकवरी हुई है, अब ऑलमोस्ट सपाट होते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं, यूके में फ्रेश खरीदारी हो रही है और जर्मनी और फ्रांस भी निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हुए हैं, तो सुस्त हैं सर बट थोड़े निचले स्तरों से रिकवरी है ग्लोबल बाजार में, बताएं सर क्या करना चाहिए? दीप, आपको तो बोला ही था मैंने कि वो हमें सपोर्ट नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, हम उनको सपोर्ट दे देंगे। भाई देखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो 50 पॉइंट का सपोर्ट अगर हमने डाओ को दिया तो कम नहीं है, है ना, हम तो इतना ही दे सकते हैं। डाओ चाहे तो हमें 200-300 का दे दे सपोर्ट, हम तो 50 का भी दे रहे, तो डाओ को मेहरबानी समझनी चाहिए कि हम इतना सपोर्ट दे रहे हैं उनको। तो यूरोप थोड़ा ऊपर आ गया, डाओ थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक है, और दिन के हाई पॉइंट की तरफ बाजार बंद होगा, ये आपको कह रहा था मैं जब डेटा देख रहा था, तो आप देखिए 13350 के आसपास निफ्टी है, 13360-65 का हाई है, लगभग हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी हाई से 100-125 नीचे है, तो निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद हो रहा है, लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहा है, लगातार पाँचवा दिन है जब लाइफ हाई पर आप बंद हो रहे हो, और क्या चाहिए लाइफ में, तो बाकी सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क एक ही है कि 125 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर नीचे है, अब ये 125 पॉइंट वाला 200-300 नीचे होगा या रिकवर होके और ऊपर होगा ये किसी को नहीं पता, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, व्यू ट्रेंड तेजी का है, उसी के साथ रहना है अपनी सेफ्टी के साथ। सेफ्टी क्या होगी, थिंक फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो पोजिशन उतनी रखें जितनी आप संभाल पाएं, जैसे कि आज 60 पॉइंट नीचे दिख रहा था ना सुबह SGX निफ्टी, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो मैं इसलिए सुबह 7 बजे से कह रहा था BP मत बढ़ने दीजिए, 9:15 बजे अब बढ़ना है ब्लड प्रेशर तो लॉस बुक होने के बाद बढ़े, जब लॉस ही बुक नहीं हो रहा देख देख के ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना, तो सेम वैसे कि आपका देख देख के ब्लड प्रेशर ना बढ़े, इसलिए आप अपनी पोजिशन लिमिट में रखिए या हेज करके चलिए। 13350 का या 13300 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन
सामने 13,500 का बेच के जाइए, बैंक निफ्टी 30,200 का कॉल ऑप्शन खरीद के 30,500 का बेच के जाइए, सिंपल ये है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, तो आप अपनी पूरी जो पोजीशन है उसको उस हिसाब से रखिए कि जहां आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। बाकी तेजी की पोजीशन में बने रहने में अभी भी कोई हर्ज नहीं है, ये आपके लिए राय। आइए एक और एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है, चेतन भुटानी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से बाजार बंद हो उससे पहले चेतन से पूछ लेते क्या है खबर, बताएं चेतन। सर देखिए, केमिकल सेक्टर हो चाहे फुटवेयर सेक्टर हो या चाहे इरिगेशन सेक्टर हो, भारत सरकार डेफिनेटली ये चाहती है कि डोमेस्टिक कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अभी जो खबर भारत सरकार ने नोटिफाई करवाई है वो है केमिकल सेक्टर में, 6 केमिकल्स में भारत सरकार ने BIS नॉर्म्स को इनफैक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी इशू कर दिया है, जो इनफैक्ट जुबिलेंट लाइफ, सुदर्शन केमिकल्स और नेशनल पेरोक्साइड के लिए, इन 3 कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। भारत सरकार ने 6 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू करे हैं डिफरेंट केमिकल्स के लिए। वो मैं दर्शकों के लिए केमिकल्स का नाम बता दूं, बीटा पिकोलिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गामा पिकोलिन, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट एंड पायरिडीन। ये 6 केमिकल्स है जिनका क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है। ये जो 6 के 6 क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स हैं, इसके चीफ इंपोर्ट्स 13 जून 2021 से बंद हो जाएंगे, जिसका मतलब ये कि 13 जून 2021 से ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर विद इफेक्ट इन प्लेस हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जुबिलेंट लाइफ, सुदर्शन केमिकल्स और नेशनल पेरोक्साइड, जो ये टिपिकल 6 केमिकल्स ज्यादा भारी मात्रा में इंपैक्ट बनाती हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो जुबिलेंट लाइफ के लिए बड़ी खबर और साथ ही केमिकल स्पेस के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और हम देख रहे हैं कि स्टॉक में रिकवरी भी आ रही है इस खबर पर बेसिस पर। 6 केमिकल्स ऐसे हैं जहां पर क्वालिटी कंट्रोल भारत सरकार पास कर रही है, एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट आप स्टॉक में देख रहे हैं। पर आइए एक और बेहतरीन कॉल अनिल जी की तरफ से तैयार है, बिगुल कल के 2000 का। जी सर, दीप खरीदारी करने की राय, और इस खरीदारी करने की राय में धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। देखिए मैं तो क्या है, इधर उधर से आइडिया लेता रहता हूँ, तो ये धन्यवाद है पहले सुमित जी को, बाद में बताऊंगा क्यों, इससे पहले कि टाइम कम है इसलिए। इक्विटास होल्डिंग, बड़ा वाला इक्विटास, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है इक्विटास होल्डिंग, तो 68 रुपये 25 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, कल के लिए यहाँ पर खरीदारी की जाए। भारी भरकम वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर 66 रुपये 50 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, और कल के लिए यहां पर तेजी करने की राय है। ऊपर के टारगेट आप 72-74, ये 2 टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को खरीदारी करके चले। अगर 72 रुपये आज आ जाए तो आज चाहें तो आप 2000 के हिसाब से बुक कर सकते हैं, नहीं तो कल के लिए 72-74, और हो सकता है सुबह हम कुछ और टारगेट रिवाइज करके बताएंगे। तमाम ये छोटे स्टॉक्स जो हैं, अभी सुमित जी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की, लेकिन यहाँ पर मैं इक्विटास की होल्डिंग कंपनी जो 70 रुपये वाला है वहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। 72 और 74 रुपये 2 टारगेट आपको मिल जाएंगे। इस बीच में आपको बता दूं दीप, HUL के आपने बात की जहाँ टारगेट हासिल हुए, हमारे टारगेट एस्टेक में भी हासिल हुए और यूनिकेम में भी, दोनों स्टॉक आपके सामने मैं ले आऊँ। एस्टेक का जो हमने टारगेट दिया था 1065-1080 और साथ ही 1100 रुपये, तो 1065 वाला पहला टारगेट हासिल हुआ, 1064-80 अब भी उसके आसपास है। जिनको डे ट्रेड करना है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो अपनी रिस्क के हिसाब से कैरी करना चाहें वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यूनिकेम 268-270 के आसपास हमने दिया था, 290 और 300-350 रुपये के टारगेट, 290 और 305, ये छोटे टारगेट थे। यूनिकेम भी आप देख सकते हैं लगभग 298 का हाई बनाया है, तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और पोजीशन को होल्ड करें। सिमिलरली इक्विटास यहाँ पर 72 और 74 रुपये के छोटे टारगेट है, इसके लिए आप होल्ड करिए, कल के लिए ये भी काम आएगा। और इक्विटास क्योंकि धन्यवाद आपको दिया है, तो सुमित जी चार्ट भी आप ही को देखने पड़ेंगे, कष्ट कीजिए चार्ट देखने का, बताएं सर। अनिल जी आपने दे दिया क्लोजिंग में, वरना ये स्टॉक कल मैं देता ही देता, क्योंकि अभी लास्ट 4-5 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा आप क्लोजिंग में क्या इसका कॉल निकाले। आपको ध्यान हो तो पहले मैं हर बार इक्विटास और उज्जीवन को साथ साथ रिकमेंड करता था, तो अभी इक्विटास के अंदर आपने सही टाइमली पकड़ लिया है, स्टॉक 70 के ऊपर ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से ऊपर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने 72 का टारगेट दिया है, ये 72 का लेवल तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, 75-80 रुपये तक का लेवल जल्दी ही दिखाएगा, तो बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। ओके,
तो इक्विटास पर खरीदारी करने की राय, स्टॉक मजबूती से ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका उज्जीवन भी लगभग 9-10% आज बढ़ता हुआ। यू लेटर के स्टॉक में मामला ठीक है, यूनिकेम, उज्जीवन, ये सबके सब 10-10% वाले स्टॉक आज हो गए हैं। तो बढ़िया स्टॉक, कैश के स्टॉक्स में जो एक्शन है वो भरपूर है। और बंसल जी का यस बैंक भी 16 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ, 15-75 तो हो गया। बंसल जी, अब अगर ये इसमें मिड कैप से लार्ज कैप में आ गया तो फिर क्या होगा? अनिल जी, अगर ये मिड कैप से लार्ज कैप में आ गया तो अनिल जी मैजिक ही होगा। अनिल जी, जो टारगेट्स हैं ऊपर के, जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपने दिए थे, जो 3 साल के अनिल जी टारगेट हैं, वो शायद 2 साल में पूरे हो जाएं, उससे पहले भी पूरे हो सकते हैं। और अब चार्ट्स पे भी मोमेंटम आ रहा है, अच्छे कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है। और अनिल जी, येस बैंक अनिल जी मेरा नहीं, अनिल जी आपका है। सबसे पहले आपने इसको स्पॉट किया था, उस समय तो टच मी नॉट था सबके लिए, मैं तो काफी लेट आया था येस बैंक को रिकमेंड करने। बिल्कुल, जब हॉट था तो हमने कहा टच मी नॉट, और जब था टच मी नॉट तो हमने कहा ये है हॉट। तो वही फर्क है, देखे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर। बंसल जी, कैसी लगी मेरी डायलॉग और इंग्लिश? अनिल जी डायलॉग भी बहुत अच्छा है और इंग्लिश भी अनिल जी अच्छी है, थोड़ा समय लगा अनिल जी समझने में, बट संपूर्ण रूप से अनिल जी समझ में आई है। नहीं, मैं उन्हीं के सामने बोलता हूँ जिसको मेरे से कम आती हो, बाकी तो फिर क्या, नहीं तो अपनी पोल भूल जाती है। तो ठीक है, आप समझ गए मेरा टारगेट अचीव हुआ। आइए, आज के टारगेट सारे अचीव, शो समापन करने का वक्त है। बंद होने की तैयारी में है बाजार, निफ्टी 13,350 के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में, 30,000 के ऊपर क्लोज देने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स 45,400 के ऊपर बंद होने की तैयारी में। तो दीप बताइए क्लोजिंग का एक्शन पूरा। अनिल जी, भरपूर एक्शन है, रिकॉर्ड एक बार फिर से बाजार पर लगते हुए दिखते हैं, और जैसा कि आप कह रहे थे सर, डेज हाई की तरफ क्लोजिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे एक्शन आज आते हुए दिखाई। यूपीएल, आप यू नाम के स्टॉक्स की बात कर रहे थे, यूपीएल भी उस लिस्ट में है सर, 4.5% की तेजी। एचयूएल आपके कॉल 3.5% ऊपर। आईटीसी से बढ़िया पार्टिसिपेशन, सुबह सुमित जी ने यहाँ पर कॉल की खरीदारी की राय दी थी। एचडीएफसी से बाजार को सहारा मिला है, डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी खरीदारी, एलएनटी एक बार फिर से ब्रेकआउट देते हुए, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक एनालिस्ट डे की मीटिंग के बाद यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन। एसबीआई लाइफ हल्की से मुनाफा वसूली, यहाँ पर कोटक बैंक ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सुस्त था, साथ ही मारुति एक बढ़िया ब्रेकआउट के बाद हल्का सा कंसोलिडेशन इस स्टॉक पर भी आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा सर, अगर आप देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एक और जबरदस्त तेजी, 6% ऊपर था ये स्टॉक। फार्मा में अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क एक और एक्टिव काउंटर आपको दिखेगा, लुपिन में अच्छे मूव आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आज भी तेजी में आपको आते हुए दिखा। पीरामल एंटरप्राइजेस अच्छी खरीदारी यहां पर, एमएनएम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सभी स्टॉक्स पर आपने एक्शन देखा। कैनरा बैंक सबसे एक्टिव रहता है जब पीएसयू स्टॉक्स में मूवमेंट आता है, आज भी तेजी के माहौल में था। और एनएमडीसी डोनेमलाई माइन की एक्सटेंशन फाइनली कंफर्म हो गई है, यहां पर भी तेजी रही। एस्कॉर्ट्स हल्का सा रोटेशन, यहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली। जेएसडब्ल्यू स्टील, चोला इन्वेस्टमेंट, डीएलएफ, टाटा स्टील और साथ ही वोल्टास, यहां पर गिरावट आई। बजाज फाइनेंस थोड़े नेगेटिव ब्रोकरेज व्यूज के हिसाब से यहां पर भी आपने कमजोरी देखी। पर अनिल जी, एक और दिन, एक और रिकॉर्ड है, 13,350 के ऊपर पहली बार, एक प्रोविजनल फिगर है बट क्लोजिंग देता हुआ निफ्टी सर, और 150 अंक ऊपर निफ्टी बैंक भी। सेंसेक्स पर भी एक और रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड क्लोजिंग सर। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। डायलॉग तो तारीख पे तारीख से हमने चुराया हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि तारीख पे तारीख में मजा नहीं आता, लेकिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पे मजा आता है। तो एकदम ड्रीम रन चल रहा है मार्केट में, लाइफ एंजॉय कीजिए आप सब लोग। बिल्कुल, लगातार 5वां दिन है जब लाइफ टाइम हाई पर हम बंद हो रहे हैं आज के सेशन में। 13,109, 13,113, 13,133, 13,258 और 13,355, ये है पिछले 5 दिनों की शानदार क्लोजिंग आपके लिए आती हुई। और लगातार 1, 2, 3, मेरे ख्याल से 3 दिनों से तो कम से कम, 4 दिन का तो नहीं पता, 3 दिन से तो कम से कम, ये आज तीसरा दिन है इंट्राडे भी लाइफ टाइम हाई बनाया, और क्लोजिंग बेसिस पर लगातार 5वें दिन का लाइफ टाइम हाई। एंजॉय कीजिए लाइफ, बिल्कुल पैसा बनाते रहिए, बचाते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए, ये सबसे बड़ी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। भावनाओं में बहते हुए रिस्क मैनेजमेंट को ना भूलें, बिल्कुल तेजी करें, कॉन्फिडेंस से करें, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। और ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भी लाइफ में खतरनाक होता है। जो लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि अब तो वैक्सीन आ गई है और अब तो कुछ नहीं, ठीक है कोरोना पुराना हो गया, कोरोना पुराना हुआ है, कम खतरनाक नहीं हुआ है, और वैक्सीन आ गई है लेकिन आपके हाथ में नहीं आई है, तब तक जब तक आपके न लग जाए
तब तक आपको सावधानी रखनी है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे बंसल जी रखते हैं। फ्री में मूवी टिकट मिलने के बावजूद नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, वो बोले नहीं मैं घर पे ही रहूंगा, कुणाल जी से भी टिकट नहीं लेने। तो बिल्कुल इसी तरह की सावधानी आपको रखने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी खबर तो है कि देश में कोरोना का दी एंड होने का वक्त आ रहा है। फाइजर ने हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है, और साथ ही अब सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा, उनकी दवा का नाम कोविशील्ड है, कोविड से शील्ड बचाओ, कोविशील्ड ऐसे नाम रखे ना बढ़िया, मतलब इसमें समझ में आता है कि भैया आप अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हो। एक ने कोवैक्सीन रखा किसी का तो है, वो भी ठीक है समझ में आया, क्योंकि वो सिन सिन वाले हमने वो सब पीछे वाली जो दवाएं हैं ना उनके नाम हमें याद रह जाते हैं, तो कोवैक्सीन भी याद रह जाएगा, कोविशील्ड भी याद रह जाएगा। इसके लिए उन्होंने सरकार से अप्रूवल मांगी, अगर इन दोनों वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त सरकार दे देती है तो ये समझिए कि फिर काफ़ी हद तक लोग सेफ हैं, वैक्सीन है आपके हाथ में। लेकिन वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है, किसको मिलती है, और ये वैक्सीन मिले इसके लिए क्या जो स्टैंडर्ड है वो पार होने जरूरी है, और ये वैक्सीन क्या सिर्फ इमरजेंसी तक, उसके बाद बाकी लोगों तक कब तक आएगी, ये ढेर सारे आपके सवाल हैं, इनके जवाब तैयार है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, ICMR के पूर्व हेड एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, और डॉक्टर रवि गोडसे प्रेसिडेंट पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन LLC। LLC का मतलब मैं बता दूं, जो मुझे पता है ये मेरे डिपार्टमेंट का, ये मेडिकल वाला नहीं है, LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये है दो खास महानुभाव जो शाम 6 बजे आपकी करेंगे मदद, आने वाली है कोविड शील्ड, ये है हमारे शो का नाम, जरूर देखिएगा। विशेष टिप्पणी के लिए चलते हैं कोविशील्ड पर, बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये कोविशील्ड अनिल जी मैं कोई पढ़ के नहीं आया अनिल जी, कोरोना ये तो जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूँ, तो अनिल जी ये तो पूरा जो ज्ञान है शाम के शो के बाद मिलेगा, इस पे टिप्पणी तो तब कर पाऊंगा जब कुछ बताओ। तो अनिल जी कोई नॉलेज नहीं है ना, मतलब कि बिल्कुल भी आधी अधूरी नॉलेज तो अनिल जी काफी खराब होती है, तो ना तो कोरोना के बारे में कुछ ज्ञान है ना इसकी वैक्सीन के बारे में अनिल जी कुछ मालूम है, तो शाम को अनिल जी सुनूंगा मैं, और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब भी सुने और अपना ज्ञान बढ़ाएं। चलो कम से कम बंसल जी ने माना तो है ना कि आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन बंसल जी देखो अपना पैनल बहुत स्ट्रांग है, एक से एक धुरंधर टेक्निकल एक्सपर्ट है, आपको भी पता है। अच्छा आप कभी कभी छुट्टी ले लो तो कुणाल जी भी आपका काम आराम से कर लेते हैं, आप है ना क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन का ध्यान अपना ज्ञान ज्यादा बढ़ाए, बाकी काम तो दूसरे कर ही लेंगे। आशु सर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाह रहे हैं जी, आशु सर। नहीं अनिल जी, मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे बंसल जी को फार्मा पे ट्रैप कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जो उनको नहीं आ रहा, तो हाँ। आपने वो एक एजेंडा पूरा कर रहे हैं सर आप। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा, मतलब मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हम सब में सबसे ज्यादा होशियार फार्मा के मामले में बंसल जी है, जो नॉलेज है गजब की, मतलब इनका फील्ड नहीं होते हुए भी अगर इतना जानते हैं तो सपोज सोचिए आज टेक्निकल एक्सपर्ट में बंसल जी हमारे टॉप क्लास हैं, अगर फार्मा में होते हैं तो भी वहाँ पर टॉप क्लास ही होते हैं, तो बंसल जी की फार्मा की नॉलेज बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, जितनी मेरी टेक्निकल नॉलेज है बंसल जी जितनी कम है उतनी ज्यादा आपकी फार्मा की नॉलेज भी है, तो इससे समझ लीजिए कि बंसल जी के पास कितनी गजब की नॉलेज है और हमारी मदद हमेशा करते रहते हैं। आइए रात 8:26 का शो, वो भी देखना जरूर है आपको, डेट में बेस्ट इन्वेस्ट कैसे करें, ये है शो का नाम, डेट मार्केट फिक्स इनकम, ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और कई लोग मानते हैं कि इक्विटी महंगा है तो अब डेट में शिफ्ट होना चाहिए, तो क्या डेट में इन्वेस्ट करने का सही समय है, क्या ये ज़्यादा सुरक्षित है, FD की ब्याज दरें जो गिर रही है उसमें क्या डेट फंड की तरफ जाना ठीक है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डेट से मुनाफा बेहतर कैसे हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान लाइव मिंट की कंसल्टिंग एडिटर मोनिका हालन, देखेगा शाम को 8:26 पर ये शो, डेट में बेस्ट इन निवेश कैसे करें आज शाम, तो ये शो भी आप मिस मत कीजिएगा। तो ये है आज के शो, और एक और ऐतिहासिक दिन के हमारे साक्षी बने कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय, सुमित जी और सचिन जी, आशु सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों की आज मदद करने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात।